إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आज इन श्लातीस नवम्बर दो हज़ार चौदह को हफ़्ते के दिन क़ुरान क्लास नंबर एक सौ तिरपन में हम हूद की उन आयात पर पहुँचे हैं कि जिनके कॉन्टेक्स्ट में दो अहम तरीन मसले मैं अगले दो लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा एक आज वाला लेक्चर और एक इन अगले हफ़्ते का उनमें से पहला मसला है रिज्क की तकसीम का मसला जो अल्लाह ताला ने हमारी डेस्टिनी मुकर कर दी है कि किस शख्स को कितना रिज्क मिलेगा इसके हवाले से जो शुबहत हैं इन मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा और दूसरा मसला है तकदीर का कि किसी शख्स का जन्नती या दोस्ती होना जो अल्लाह के इल्म में डिफ़ाइन हो चुका हुआ है उसके हवाले से किताब सन्नत के क्या दलाइल हैं क्या एक अकीदा मुसलमान को रखना चाहिए और इसी कॉन्टेक्स में इंसान की जो पैदाइश का मकसद है इन उसको भी बरीफ करूँगा बहर अल्लाह की तरफ से जो रिस्क की तकसीम का मसला है वो हमारी आज की गुफ्तु इन हमारी वेबसाइट अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर हमारे यूट्यूब और ट्यून डॉट पी के, के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के थ्रू मसला नंबर एक सौ तीन के नाम से इन शोड होगी और उसका अनवान होगा <स्थ>. अल्लाह की जानब से रिज की तकसीम का सही मसला क्या है इन शह और फिर इनशाला अगली दफा मसला नंबर एक सौ चार होगा और वह होगा तकदीर का सही मसला और इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है आज की गुफ्तु के हवाले से आपको एक रेफरेंस पेज मिल चुका है जिसपे सूर्य हूद की आयत नंबर छः और सात भी दर्ज हैं और इन्हीं के की एक्सप्लेनेशन के लिए क्रॉस रेफरेंस के तौर पर कुरने पाक से अट्ठारह मकाम से मुख्तलिफ आयात दर्ज की गई हैं ताकि हम आसानी के साथ इनको आ, सीख सकें वरना कुरने पाक से खोल कर बार बार जरा मुश्किल हो जाता है और आज की गुफ्तु के हवाले से तमहिदन आखिरी बात यह है कि मैं आज इतनी ज्यादा अहदीस क्रॉस रेफरेंस के तौर पर बयान नहीं करूंगा उसकी वजह यह है कि आयात ही इतनी ज़्यादा हैं और ये मसला इतना सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें मज़ीद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं अलबत्तः दो तीन मकाम पर जहाँ अदीस की ज़रूरत है मैं इन शाला क्रॉस रेफरेंस के तौर पर उनको कोड कर दूँगा और उनके नंबर्स भी इन श्रा हरमैन और बैरूद की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक बता दूँगा इन शाला और फिर भी अगर बाद में किसी की कोई क्यूरी हो तो मुझसे ई मेल पर आप रब्ता कर सकते हैं मिर्ज़ा अंडर स्कोर नाइन्टी फाइव एट याहू डॉट कॉम ये मेरा ई मेल एड्रेस है अब अपना रेफरेंस पेज सामने रख लीजिए पहले हम जो हमारी कुरान क्लास नंबर एक सौ तिरपन में ये दो आयात क्रिटिकल आई सूर हूद की आयत नंबर छः और सात इनका तर्जुमा अरबी और सात तर्जुमा इनशाला पढ़ेंगे और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस के तौर पर अठारह आयात इनशा अट्ठारह रेफरेंस डिस्कस करेंगे आयात तो ज्यादा बनती हैं आऊदबिल्लाईतम ही व नफकी ही व नफ्ती بسم الله الرحمن الرحيم من دابة في الأرض और नहीं है जमीन में चलने फिरने वाला कोई जानदार इल्ला हां हा, मगर ये कि अल्लाह ताला के ज़िम्मे है उसका रिज़्क रिजक व्यास्तकर रहा और अल्लाह ताला जानता है उसके रहने की जगह को वो कोई भी मखलूक है जमीन की गहराइयों में किसी सुराख में कोई रहने वाली मखलूक है या समुंदर की गहराइयों में रहने वाली कोई मखलूक है तमाम के मसाकिन से अल्लाह ताला वाकिफ है वह वा मुस्तहा और उसी के इल्म में है अल्टीमेटली उनके सौंपने का मुकाम यानी जब मर कर इंसान ने कहां पहुंचना है वह अल्लाह के इल में है किसी ने क्रैश में मरना है किसी को जमीन में कबर मिलनी है किसी ने मछली के पेट में जाना है और किसी ने शेर के पेट में जाना है ये अल्लाह ताला को पता है कि किसी शख्स का दुनिया से एग्जिट किस तरह होना है कोई शख्स नहीं दूसरे को डिफाइन कर सकता ये अल्लाह के साथ खास है फी किताब मुबीन और इससे हैराम कुन बात यह है कि हर शै अल्लाह ने एक खुली किताब यानी लोए महफूज में पहले ही लिख ली हुई है इतना कामिल इम है और इसका क्लाइमेक्स जो है वो सूरतला नाम की आयत नंबर फिफ्टी नाइन है वो इनशाला अगली दफा डिस्कस करूंगा कि अल्लाह तला फरमाता है खुशकी हो या तरी हो जहां कहीं भी कोई दरख्त मौजूद हो चाहे समुद्रों में दरख्त हो या खुशकियों पर उसका कोई पत्ता नहीं वो गिरता मगर हमारे इल्म से और जमीन की गहराइयों में कोई दाना नहीं फूटता मगर हमारे इल्म से और हमारा इल्म इतना कामिल है कि हमने ये सारी चीजें अपने डिवाइन विजडम से पहले ही लोहे महफूज में लिख ली है और वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया फीस अम दिनों के अंदर अब ये अयाम यौम का लफ्ज अरबी में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है इससे जरूरी नहीं कि ये चौबीस घंटे ही मुराद हो क्योंकि ये चौबीस घंटे का कॉन्सेप्ट तो कायनात के बनने के बाद आया ये अल्लाह ताला के इल्म में है कि इनकी लेंथ कितनी थी कुरान पाक में एक जगह आया कि अल्लाह ताला के जो हां दिन की गिनती है वो तुम्हारे हजार बरस के बराबर है सूर्य सजदा में आया इसी तरीके से सूरतमारज में आया कि क्यामत का दिन पचास हजार साल का एक दिन होगा तो अब ये एक दिन कितना लंबा है ये अल्लाह के साथ इल्म खास है बहरहाल ये छह दिन में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को आसमानों को पैदा फरमाया और जब भी ये जिक्र हो के जमीन और आसमानों को तो इससे मुराद पूरी कायनात होता है वकान अर्श हु और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था अयुकुम अहसनु अमला और ये सारी कायनात इसलिए पैदा की ताकि अल्लाह ताला जांचे तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है जमीनों आसमान की पैदाइश और पूरी कायनात की पैदाइश का वाहिद मकसद इंसान का टेस्ट है और ये ह्यूमन बीइंग जो है ये अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमेक्स है लकद खलक नल इंसान अफी अहसनी तकवीम बेशक हमने इंसान को एक बड़ी अच्छी पैदाइश में पैदा फरमाया पूरी की पूरी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा फरमाई है और इंसान को अपने लिए पैदा फरमाया है आज इन आयात भी आ जाएंगी वाला इम उलता और अः महबूब अब अगर इनसे ये फरमाए इन काफिरों से कि बेशक तुम्हें मर कर तुम्हारे रब की तरफ लौटना है और दोबारा उठाया जाना है मिम्बादिल मऊत अपनी मौत के बाद लदीन कफरू ज़रूर वो लोग जिन्होंने जान बूझ कर कुफर इख्तियार किया हुआ है वो कहेंगे इन हाद शहरुम मुबीन ये तो नहीं है बेशक खुला जादू जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना और जिसने जरा सी भी अपनी अकल इस्तेमाल की वो हक तक जरूर पहुंच जाएगा बहरल इस हवाले से जो तकदीर के मामला है मैं शाह अगली दफा डिस्कस करूंगा आज हमारा टॉपिक जो है वो अल्लाह तला की तरफ से रिज की तकसीम का मसला तो ये दो आयात हैं पहली आयत जो है इसमें बिल्कुल क्लियर कट आया कि अल्लाह तमीन पर चलने फिरने वाले हर जानदार चाहे वो समुद्रों में है या खुशकी में है उसके रिज का जिम्मा अपने ऊपर खुद ले लिया है तो इसी आयत के कॉन्टेक्ट में इंशाला अगले क्रॉस रेफरेंसिस अठारह डिस्कस होंगे क्रॉस रेफरेंस नंबर वन सूर हामीम सजदा की आयत नंबर नौ और दस इन में उन छह दिनों का ब्रेकअप आया है जो अल्लाह तला ने छे दिन में जमीनों आसमान पैदा किए उनका ब्रेकअप आया है कि दो दिन में यह हुआ चार दिन में यह हुआ और दो दिन में यह हुआ

रब्बुलआलमीन जो कि है रब्बल आलमीन सारे जहानों का पालने वाला उसके मुकाबले पर और हस्तियों को समझते हो तो सारी मखलूकत है वह जलाफी हा रवासी मिल्फूकी हा और उसी ने इस जमीन के अंदर पहाड़ ऊपर से जमा दिए वारकी और इसमें बरकत रख दी वदरफी हा और इसमें अंदाजा मुकर्र फरमाया अकवा त तमाम खुराक खुराकफी अरबाती अयाम चार दिनों के अंदर यानी चार दिन में अल्लाह तला ने जमीन में तमाम इस्बा रख दिए जितने भी मटीरियल हैं और पोटेंशली जो कुछ भी जमीन की मखलूक की रिक्वायरमेंट है जो बाद में फिर वक्त के साथ एक्सप्लोर हुई ये सारी चीजें अल्लाह तला ने चार दिन में जो है वो रख दी सवासाइलिन ये ज़रूरत मंदों की हाजत के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम फरमा दिए यानी जमीन के अंदर तमाम चीजें पोटेंशली रख दी और ये अब ये जो साइलिन है मांगने वाले ये सब के सब हाजतमंद हैं चाहे वो हशरातुल हषरातलर्द हो परिंदे हों चरिंद हो नबतात हो हैवानात हो इंसान हो जिन्नात हो सबके सब, सब सवाल साइलिन में आते हैं सब के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक रख दिया और आप देखें कंपेटेबिलिटी आप एक शेर के सामने ताजा तरकारी खुराक अल्लाह ने गोश रख दी। वो उसके साथ कंपेटेबिलिटी है इसी तरीके से एक बकरी के सामने आप जनाब फ्रेश कीमा रख दे सूंगे की भी नहीं उसके साथ वो कंपेटेबल नहीं तो यह अल्लाह तबारक ने जो इंसान को और जानदारों को जो जबिली हदायत दे दी है फल हम हा फजूर व तकवाहा हर इंसान को और हर मखलूक को वो खौफ के वक्त हर मखलूक जो है वो अपने बचाव के लिए कोशिश करती ये है ये उसकी नेचुरल इंस्टिंगट है ये अल्लाह तला ने उसमें रख दी है चूजे हैं वो दूर से चील को आते हुए देखेंगे या उकाब को वो फौरन भाग जाएंगे वहां से ये उनकी इंस्टिंक्ट में डाल दी है चीज इसी तरीके से आप देखें ये क्रोकोडाइल्स जो हैं मगर मच्छों के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं अंडे से निकलते ही फ़ौरन जो है पानी की तरफ जाते हैं अब उनको कौन बताता है ये उनकी इंस्टिंक्ट चूजे चूजा जैसे ही अंडे से निकलता है वो खाना पीना भी शुरू कर देता है और पानी भी पीना शुरू कर देता है और इंसान के बच्चे को आप देखें तो बड़ा कमज़ोर है तो मखलूक़ात को अल्लाह तला ने कितना इंस्टिंक्ट अब ये छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है अगर उसको ये सिखाना पड़े कि उसने दूध कैसे पीना है तो मेरे ख्याल सारे इंटलेक्चुअल्स मिलकर उसको समझा नहीं सकते उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ही इतना नहीं होता तो उसकी इंस्टिंक्ट में है कि उससे पता है मैंने दूध कैसे पीना है तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सारे हाजत मंदों के लिए जो है पोटेंशली सब खुराक जो है इस जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी है तो इन आयात से ये पता चला कि अल्लाह तबारकवा तला ने क़यामत तक के लिए हर मखलूक की खुराक का और उसके लिए रिसोर्स का बंदोबस्त ज़मीन में कर दिया हुआ मटीरियल की फॉर्म में अब गंदम की जो पैदावार है सूरज की रोशनी के जरिए नबातात अपनी खुराक तैयार करते हैं और ये गंदम का पौधा निकलता है और इससे इंसान खाते हैं चावल खाते हैं आलू खाते हैं यह तमाम की तमाम जो फूड सर्कल चल रहा है इस हवाले से कि सब सबकी सब, सब चीजें अल्लाह तबारक वाली ने इनको कंट्रोल किया हुआ बड़े बैलेंस के साथ इसी तरीके से वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की बरकत आप देखें उन्नीस सन एक तक तकरीबन तक 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 एक अरब आबादी थी इंसानों की और उस वक्त ये प्रडिक्शन होती थी दो हजार एक में अगर दो अरब हो गई तो मुसीबत पड़ जाएगी कैसे लोगों की जरूरतें पूरी होंगी लेकिन दो हजार एक में दो अरब नहीं हुई तीन अरब भी नहीं हुई चार अरब भी नहीं हुई पांच अरब भी नहीं हुई छह अरब के करीब और अब तकरीबन सात अरब के करीब आबादी हो चुकी है और सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं टेक्नोलॉजी ऐसी और ये सारे यबादी ये बड़ी क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की की इंसान ने बीमारियों पर कंट्रोल पा लिया पहले ताउन के मर से ही लाखों लोग मर जाते थे इसी तरीके से बाकी जो वबाई अमराज हैं अल्लाह तबारक तौला ने इंसानों को एजुकेट करवाया उस एक्वायर्ड नॉलेज द नॉलेज ऑबटेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स उसके जरिए और टेक्नोलॉजी की आप बरकत देख लें कि अगर आज छह या सात अरब इंसानों के लिए अगर जूतियाँ मोची बनाना शुरू कर दे तो हर घर में एक मोची चाहिए लेकिन ये टेक्नोलॉजी की बरकत है कि आज सिर्फ चाइना ने इतनी जूतियां बना दी हैं कि शायद आंधा दस साल के लिए भी वो ना बनाए तो पूरी रूएर्स जितने लोग मौजूद हैं उनके लिए जूतियां किफायत कर जाएंगी और सस्ती इसी तरीके से वो जमीन जिससे पहले एक मन गंदम निकलती थी अब उसी जमीन से टेक्नोलॉजी की बरकत से 20 से 40 मन तक भी गंदम निकलती है तो ये टेक्नोलॉजी की बरकत उसी इतबार से जमीन अपने खजाने उगल रही है लेकिन ये सारे का सारा मटेरियल जो जमीन से निकाला जाता है ये पोटेंशियली तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है अगर आज जहाज हवाई जहाज आसमानों में उड़ रहे हैं तो उनका जितना मटेरियल है वो बाहर से तो नहीं कहीं से लाया गया इसी जमीन से ही हासिल किया गया और इसीलिए वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फाइनल किया कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड मटीरियल कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यानी मटीरियल जो है इसको ना पैदा किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है यानी इंसानों के रेफरेंस से बाल लोग इसको तो ईद शेद का मसला बना लेते हैं ये फिजिक्स के लोगों ने जो ये लाभ बनाया है इंसानों के रेफरेंस से इंसान कोई मटीरियल बना नहीं सकता और ना इसे खत्म कर सकता है अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है अल्लाह तला ने तो हर चीज अदम माह से वजूद में लेके आया है अल्लाह क्रिएशन एक्स नहीं लो हम लकड़ी से जो है वो फर्नीचर बनाते हैं लेकिन लकड़ी किसने बनाई अल्लाह ने सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर दिया लकड़ी में बीज के जरिए अब जमीन और आसमान की सारी मखलूकत मिलकर ये रोशनी के जरिए कोई लकड़ी बना के बताएं या उसी लकड़ी को जलाकर हम रोशनी हासिल करें और वो राख से दोबारा लकड़ी को बना के बता दें नहीं बना सकता इसीलिए फर्स्ट फसल थर्मोडाइनमिक्स जो है के जो मादा है इसको ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ये इंसानों के रेफरेंस से है इसी तरीके से वक्त के साथ साथ अल्लाह तबारक तआला ने कैसी चीजें एक्सप्लोर फरमाई आठ से तीन सौ साल पहले तक, तक तकरीबन जमीन के अंदर तेल के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था तेल का पहला कुआं अमेरिका की जो रियासत है पिंसलोवेनिया उसमें सत्रह सौ अड़तालीस में दरियाफ्त हुआ सत्रह सौ अड़तालीस में आज बीस सौ चौदह चल रही है बीस सौ पंद्रह शुरू होने वाली है तीन साल पहले। पूरे तीन सौ साल भी नहीं गुजरे ये जो अहादीस में तेल का जिक्र आता है और दिया जलाने का वो खाने वाला तेल होता था सरसों का तेल या जैतून का तेल मट्टी का तेल जो है ये तो अभी ढाई सौ साल तीन सौ साल पहले की बात है और ये जो हमारी अरब रियासतें हैं इनमें तो ये सारी चीजें उन्नीस सौ साठ के बाद निकली हैं इससे पहले तो दुनिया की गरीब तरीन कौम थी यह जो हज के लिए लोग जाते थे हाजियों के काफिले लूट लिए जाते थे उनके पास तो रोटी भी पूरी नहीं होती थी और आज आप देखें वहां पर बाहर ही बाहरें तो ये जमीन ने जो अपना खजाना उगला है और अब इससे भी बड़ी चीज जो है वो सोलर एनर्जी है सोलर एनर्जी के ऊपर जिस तरीके से वर्किंग शुरू हो रही है तो दुनिया में किसी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं तेल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा क्योंकि नया नहीं पैदा हो रहा जो पुराना है वही निकालते जा रहे हैं लेकिन सूरज सूरज जब तक है उस वक्त तक सूरज की रोशनी है और सूरज अगर नहीं रहेगा तो जमीन पर जिंदगी वैसे ही खत्म हो जानी है तो सूरज की रोशनी को सोलर सेल्स के जरिए स्टोर करना इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है अब तो तकरीबन जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू होने लगी हैं पांच पांच या दस दस मुसाफरों वाली जहाज भी बना लिए सोलर सेल के ऊपर चलने वाले और पाकिस्तान में जो ये लोड शेडिंग की आफत आई और इस आफत की वजह से जो फितरा आया ये उसकी बरकत से ये चीज आई कि यहां पर लोगों को ये टेक्नोलॉजी भी पता चल गई कि सोलर सेल के जरिए भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो बहरअल बाहर दुनिया में तो लोग बड़ी तेजी से इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ये बड़ा आसान और सस्ता सोर्स है रोशनी रोशनी से एनर्जी हासिल करने का तो ये सारे के सारे अंदाजे अल्लाह ताला ने मुकर फरमा दिए और आप देखें कि अल्लाह ताला ने जमीन दो दिन में पैदा फरमाई और फिर आसमानों का भी जिक्र आएगा कि दो दिन में और पैरल में जमीन आसमान यानी पैरल में और चार दिन जमीन के अंदर ये जितनी जरूरत के लिए चीज़ें थी इनको इनके लिए अंदाजा मुकर फरमाया इन चीज़ों को पैदा फरमाया और दिस अर्थ इज मेरिकल प्लानट इन दिस यूनिवर्स ये जमीन जो है एक मौजाना कुर्रा है इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर जमीन जैसा कोई कुरा नहीं है इसलिए आप देखें कुरान में बार बार आसमानों का जिक्र होता है जिक्र होता है लेकिन जमीन का जिक्र होता है जब तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ होता है क्योंकि जितनी ये मखलूकत और जिंदगी है वो इसी जमीन के ऊपर आबाद है यह अल्लाह तला का एक मेरिकल प्लान है अब इसके ऊपर गुफ्तु करें तो एक इलादा से पूरा टॉपिक है मेरी गुफ्तु है मसला नंबर साठ के नाम से हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स उर्दू में है अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हक की रोशनी में उसमें मैंने इस तरह के काफी फिगर्स बताए हैं इसी तरीके से आप ये देखें कि खुराक टेक्नोलॉजी की बरकत से कितनी बढ़ चुकी है कि आज की डेट में भी अमेरिका हर साल लाखों टन गंदों पैसिफिक ओशन में बैरुलकाहल में जाया कर देता है फालतू पैदा होती है सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस नीचे ना आ जाए इतनी गंदम पैदा हो रही है लिहाजा ये जो अक्सर लोग सवाल करते हैं और वसवसे लोग आते हैं जी अगर अल्लाह ने तस्क मुकर दिया है तो अथोपिया में सोमालिया में लोग क्या साली से क्यों मर रहे हैं अल्लाह ने तो रिस्क की जिम्मेदारी खुद ली है भाई रिस्क की जिम्मेदारी जरूर ली है अल्लाह तुम पोटेंशियल ली यानी जमीन में पोटेंशियल मौजूद है वहां तक पहुंचना होगा वो इनशाला बाकी में मैं डिस्कस भी करूंगा अगर कहीं पर खुराक अवेलेबल नहीं है वहां से हिजरत कर जाए आज दुनिया के आधी आबादी सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना में क्यों रह रही है लोगों ने सैकड़ों साल के तजर्बात से यह चीज हासिल की है कि रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह ये एरिया है क्योंकि यहां से जमीन उगाती है और इंसान खा सकता है साइबेरिया में कितनी आबादी है या कुतब शिमाली में या कुतब जनूबी में आबादी कितनी है या सरासीना में कितने लोग रहते हैं तो अगर कहीं पर खुराक नहीं वहां से हिजरत कर दें और बाज को अल्लाह ने फिर देकर आजमाया बाज से लेकर आजमाया और बाकी लोगों को जितना भी बहुत अच्छी चीज है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जो यू का प्रोग्राम है फूड के अतबार से गरीब मुल्कों तक वो यूनाइटेड नेशंस की टीमें जाती हैं और वहां तक खुराक पहुंचाती हैं और जाहिर अल्ला ये अल्लाह तला ने यह ऊंच नीच जो रखी है इसीलिए रखी है किसी को देकर आजमाया किसी से लेकर आजमाया ये अल्लाह तला कोई नहीं पूछ सकता कि तूने ऐसा क्यों किया अल्लाह तला सबको बराबर नहीं रखेगा ये अल्लाह तला की सुन्नत है तो इस हवाले से टेंशन नहीं लेना चाहिए अल्लाह तबारक वाल ने ये जो कुछ फरमाया अपनी हमत के मुताबिक किसी को देकर और किसी से लेकर आजमाया और इसी तरीके से आप देखें इससे भी बड़ी चीज तो कतल है कि एक शख्स दूसरे की जिंदगी छीन लेता है एक तो है ना कैद साली से मरना और एक है कि किसी शख्स का दूसरे को कतल ही कर देना उससे जिंदगी छीन लेना यह कितना बड़ा जुर्म है लेकिन सूरत उल्बरा में अल्लाह तरमाया तो सांस में तुम्हारे लिए जिंदगी है जो कत्ल करेगा उससे बदला लिया जाएगा उसको यह नहीं कहा जाएगा कि भाई अल्लाह ने इसकी तकदीर में लिखा होता कि इसने मरना है तो तूने बिल्कुल ठीक किया तो उन्हें तकदीर पूरी कर दी ये नहीं कहा जाएगा बल्कि उससे बदला लिया जाएगा कहसास लिया जाएगा यादियत ली जाएगी हत्या के बुहारी और मुस्लिम की मुतफकन हदीस है क्यामत वाला दिन सबसे पहले कतल के मुकदमे का फैसला होगा बी दाऊद में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा वो हुकूकुल्ला है हुकूकली बाद में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफकन हदीस है सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा और सुन नबी दाऊद में यहां तक आता है कि मकतूल जो है वह अपने कातिल को क्या वाले दिन अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर इस हाल में कि उसके अपने जिस्म से खून रवा होगा घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब ले जाएगा और उसके सामने कोई रोक टोक नहीं होगी अल्लाह के अर्श के पास पहुंचकर वो कहेगा कि अल्लाह आज मुझे इंसाफ दिला इसने मेरी जिंदगी मुझसे क्यों छीनी थी तो यह भी तो होता है ना तो यह भी आजमाइश दुनिया में इस तरह की आजमाइशें अल्लाह तबारक वाल की तरफ से लगी हुई है लिहाजा इसमें कोई इस एतबार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दूसरा रेफरेंस वत कहा और कितने ही जानदार ऐसे हैं कि जो अपना रिस्क अपनी पीठ पर लाद कर नहीं फिरते कोई स्टोरेज नहीं उन्होंने किया हुआ अपना रिस्क ये यह सूरतुल आयत नंबर साठ कितने ही चल्ले फिरने वाले हैं कि वो अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते अल्लाह अल्ला उन्हें रिस्क देता है वह इकुम और तुम्हें तो भी अल्लाह ही रिस्क देगा वह वहूअसमीम और वही सुनने वाला इल्म वाला है ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ हैं हर मखलूक की हर आवाज़ को हर वक्त सुनना और उसका इल्म रखना ये ना कोई फरिश्ता कर सकता है ना कोई पैगम्बर कर सकता है ना कोई और मखलूक कर सकती है ये अल्लाह के साथ खास है तो अल्लाह ताला, ताला फरमा रहा है कि जानदार अपना कितना ही जानदार अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते हम उन्हें रिस्क देते हैं ये परिंदे जो सुबह निकलते हैं किस आस और उम्मीद के ऊपर अल्लाह उनको खिलाता है और फिर कई ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं इस पर अगर किसी को शौक हो तो हारून याया की जो वीडियोज हैं हरून या डॉट कॉम इस वेबसाइट पर उर्दू डबिंग के साथ भी मिल जाएंगी वैसे इंग्लिश में है वह आप देखें कि कैसी कैसी मखलूकत हैं कैसे कैसे दरख्त मौजूद हैं दुनिया में कि जो मेंढक खा जाते हैं पूरा पूरा यानी उनके पत्तों का डिजाइन ऐसा है कि पत्तों का मुंह खुला होता है उस पर कांटे लगे होते हैं और अट्रैक्टिव चीजें उसमें मौजूद होती हैं कभी कोई मक्खी गई तो वो फंस गई उस मक्खी को खाने के लिए मेंढक गया जैसे ही वो अंदर गया तो वो फड़कना शुरू होगा साथ ही उसका पत्ते का मुंह बंद हो जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट करके खा जाएगा अब वो पौधा खुद तो हरकत कर नहीं सकता जाके पकड़ भी नहीं सकता तो ये वो जो आयत अल्लाह तुम्हें कितने ही जानदार हैं अपना रिस्क अपनी पीठ पर लेकर नहीं फिरते हम उन्हें रिस्क देते हैं उनके मुंह में डालते हैं ऐसे मामला पैदा फरमा दिए अल्लाह ने और इतनी हैरान तरानकुन बात है कि ये मैं उस उसमें सोच रहा था कि ये जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे भी उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसके जो है कांटे तो बारिश के कतरों की वजह से बंद हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता जैसी उसमें कोई चीज जाए और वो तेजी से फट पड़ाए जैसे हम माउस को कंप्यूटर के माउस को तेजी से दो दफा क्लिक करें तो फिर वो प्रोग्राम रन करता है अगर थोड़े थोड़े वक्फे से करें नहीं करता तो तेजी से फट फिर वो पत्ता बंद होता है वरना तो बारिश होते हैं बस वो भूखे ही मर जाए वो जो प्लांट है बारिश के मौसम में तो तो बारिश के कतरे की वजह से उसका पत्ता बंद नहीं होता तो इस किस्म की कई मखलूक हैं। अब ये तो लादा टॉपिक है इस तो घंटों चाहिए सिर्फ इसके ऊपर बोलने के लिए तो अल्लाह तला तो रहे हैं कि हम रिस्क देते हैं और अगर आप रिस्क ये अल्लाह के अलावा तो रिस्क पूरा ही नहीं कर सकता दुनिया में मिलियंस ऑफ वेल्स दुनिया में लाखों वेल्स दुनिया के समुन्द्रों में पैसेफिक ओशन में अटलांटिक में इंडियन सी के अंदर सारी मिलाई जाए तो लाखों वेल्स बनती हैं उनकी खुराक को पूरी कर रहे एक जो एवरेज वेल मछली है उसकी एक दिन की खुराक जो है ना छोटी वेल की 500 किलोग्राम गोश्त होता है 500 किलोग्राम ये कौन पूरा कर सकता है और लाखों के लिए पूरा करना और ये सिर्फ एक वेल मछली की बात हो रही है कैसा उसके लिए इंतजाम किया हुआ है और फिर बाकी मखलूक अब तो गिन इस रुए अर्ज पर अभी तक जो मखलूक दरिया हो चुकी हैं वो टू मिलियन है स्पीशीज बीस लाख ये उनकी तादाद नहीं है बल्कि स्पीशीज हैं यानी अगर गिनना शुरू करें इंसान को पहली मखलूक आप गिन लें घोड़ा दूसरी मखलूक खच्चर तीसरी मखलूक कौवा चौथी मखलूक गधा पांचवीं मखलूक इस तरीके से गिने नपतात और हैवानात की मिलाकर बीस लाख स्पीशीज हैं और एक एक जो स्पीशीज है उसकी अरबों गरबों में आबादी है उन सबका रिस्क पूरा होना अनबिलीवेबल डाटा सिर्फ जमीन पर कीड़े इतने मौजूद हैं कि जमीन पर बसने वाले हर इंसान को अगर 20-20 करोड़ दे दिए जाएं, 20 करोड़ आपको 20 करोड़ आपको इस तरीके से जितने इधर सत्तर अस्सी के करीब लोग बैठे हैं सबको अगर दे दिए जाए और दुनिया के सारे इंसानों को छह सात अरब लोगों को तब भी कीड़े बच जाएंगे इतने सिर्फ कीड़े हैं हजरातुल अर्द और दरख्त फिर परिंदे Uh, मुर्गियों के चूजे फिर कौों के चूजे और चीलों के चूजे और क्या तादाद है ये अनबिलीवेबल डाटा है जिसको शौक हो मसला नंबर साठ मेरा देख सकते हैं और एक और लेक्चर भी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मसला नंबर फिफ्टी नाइन मुनकरीन खुदा को दलायल के जरिए दावत उसमें भी मैंने डिटेल से इस तरह का डाटा दिया है और तीसरा लेक्चर है मसला नंबर एटी थ्री बी हु क्रिएटेड गॉड जदीद शैतानी वसफों का तहकीकी जायजा जिसमें मैंने आज के दौर के लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड की हवाले से काफी दलाइल रखे हैं क्रॉस रेफरेंस नंबर थ्री हाँ जी सिद्ध हो जाओ आयत नंबर छप्पन से लेकर अट्ठावन तक सूरतियात खलकुल जिन्ना विया ने पैदा नहीं किया जिन्नों और इंसानों को मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इबादत करें हमें माने नहीं हमारी इबादत कर मानते तो सारे हैं अल्लाह को कोई है जो अल्लाह को ना माने कोई बोध बेवकूफ हो तो वो ना मानने वाला होदरवाइज तो एज फार एज गॉड इज कंसर्न कोई भगवान कह देता है कोई उसे ईश्वर कह देता है कोई गॉड कह देता है कोई अल्लाह कहता है और कोई सुप्रीम बींग कह देता है कोई साइंस की लैंग्वेज में सुपर नेचुरल एजेंसी कह देता है मानते सब हैं एक सुप्रीम बींग को तो मानना काफी नहीं है बल्कि उसकी इबादत भी करनी है टोटल ओबीडियंस उसकी अतात करनी है उसकी वर्शिप करनी है वो सारे रसूम सारी रस्में चाहे वो नमाज हो चाहे रोजा हो कुर्बानी हो झुकना हो हाथ बांध कर खड़ा होना हो सजदा करना हो ये सारे पोस्टर्स उस जात के लिए खास करने हैं इन न सलाती व नुसुकी व महिया व ममात ला बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्लम के लिए तो हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इसलिए कि वह हमारी इबादत करे तो यह अक्सर एन जी ओज कह रहे होते हैं जी ओ जी इबादत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत थे तो ठेका मिले हुआ है इस गल गलों ने गाइड करोगे तो ये बड़ी एक्सट्रीम बात लोग कर देते हैं इसी तरीके से बस दूसरी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं वो कहते हैं जी बस नमाजें ही नमाजें हैं बेशक रिश्तेदारों का माल दबा लो विरासत में भाई की जदाद दबा लो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दाढ़ी रखी हुई है तो जिस तरह अपनी दाढ़ी और पगड़ी से पब्लिक को धोखा दिया हुआ है क्या अल्लाह को भी धोखा दे लेंगे ब्रैकेट्स में तो ये दोनों एक्स्ट्रीम्स है हुकूकुल इबाद अपनी जगह है एक हुकूकुल इबाद की वजह से हुकूकुल्ला साकित नहीं होते और ना हुकूकुल्ला की वजह से हुकूक इबाद साकित होते हैं ये दोनों पैरल में और फिर इबादत में हर वो चीज दाखिल है जो अल्लाह ताला की अतात और फर्माबरदारी है अगर माँ बाप के साथ रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक है तो इसका हुक्म किसने दिया है अल्लाह ने तो बेसिकली अल्लाह के हर हुक्म की जो पैरवी करना है वह चाहे हुकूकुल इबाद भी हो वो भी हु ही में दाखिल है अगर उसको ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो हमने जिनों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमारी इबादत करें लेकिन इसमें फर्क है जिन और इंसानों को अल्लाह तला ने इख्तियार दिया है फरिश्ते इबादत करते हैं अपने इख्तियार के बगैर और इंसानों और जिनों के पास सबसे बड़ी जो नड़मत है वो अकल की नड़मत इंसान अपनी चॉइस से अपने रब को चूज करता है और मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी दौलत है तो जबरील के पास भी नहीं है जबरील अगर अल्लाह का फर्माबरदार है तो इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें फर्मा बरदार बनाया लेकिन अगर कोई इंसान अपनी चॉइस से अपने रब को चूज करे तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं इसीलिए कहा गया ना लकत खलक नल इंसान अभी आसानी तकवीम और डॉक्टर इकबाल ने कहा कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना वो वाकई इंसान बनना बंदे बंदेदा पुत्र बनना खाली ये चलता फिरता हैवान ना हो वाकई इंसान बनना जो अल्लाह तला को रिक्वायर्ड है तो इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि इंसान अपनी विल से अपने रब को चॉइस करता है अलहदुल्ला मा उदू मिन हूमा उदू रिमून मैं इनसे यह तमन्ना नहीं रखता इन तमाम मखलूकत से कि वो मुझे रिस्क दें और ना ये मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे खाना खिलाए इन अल्लाह को जुल कुतमीन बेशक अल्लाह है जो लोगों को रिस्क देने वाला है और वह जबरदस्त वाला है अल्लाह तम आता है ये देखें क्या इसमें लजाजत है किस लेवल पे आके बात समझाई जा रही है अल्लाह तला हमारा देखो मैं तुमसे ना रोटी मांगता हूँ ना खाना मांगता हूं एक बात मांगता हूं मेरी इबादत करो हालांकि अल्लाह तगन तो गनी है ये हमारे फायदे के लिए, के लिए कह रहे हो मैं तकदीर के मसले में अगली दफा बताऊंगा ये अक्सर लोग कह रहे होते जनाब अल्लाह नु साढ़िया नहीं चाहती तो अल्लाह ने कब कहे मुझे आपकी नमाजें चाहिए अल्लाह तला कहता है तुम्हें अपने लिए मैं नहीं चाहता कि तुम दो जख तक पहुंचो हमें तो नमाजें चाहिए ना अल्लाह को नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए तो सूर्य जुमर के हवाले से इन शाह आयात आएंगी अल्लाह तौर फरमाता है मैं बेपरवा हूं लेकिन ये याद रखो मेरी ना फरमानी करोगे मैं नाराज़ हो जाऊंगा फरमा बरदारी करोगे तो खुश हो जाऊंगा बेपरवाह हूं लेकिन यह ना बेपरवाही का मतलब ये ना समझ लेना कि जो मर्जी करते रहो नहीं फरमा बरदारी करोगे मैं खुश हूँ नाफरमानी करोगे तो वो जो पंजाबी जो कहते हैं ऐसी दि तैसी फेर के रख देगा और हकीकत बात है सूर्य गाफिर में यहां तक आयत आती है कि क्या वाले दिन अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को जब अजाब देगा तो अल्लाह तारा पूछेगा हां भाई तकलीफ हो रही है सूरतुलमुमिन भी कहते हैं सूर्य गाफिर भी इसे कहते हैं शुरू में ही आता है तो कहेंगे अल्लाह हो रही है तो अल्लाह फरमाएगा इससे ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी जब तुम्हें दुनिया में मेरी तरफ बुलाया जाता था और तुम रू गर्दानी कर जाते थे देखें इस लेवल पर जाके बात को समझाना क्या मतलब फरमाएगा मुझे इतनी तकलीफ होती थी जब तुम्हें मेरी तरफ बुलाया जाता था आप कोई बुलाता कहता नहीं तुम्हें अपनी खबर जाना मैं अपनी खबर में इससे बड़ी तो कोई जरूरत नहीं है इसकी बजाय कोई शख्स ये आपको आगे कहे कि जनाब ये सात वाली गली में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि जो झेलम के जितने शहरी हैं अपना शिनाती कार्ड दिखा के एक एक लाख रुपया ले लें तो कोई ये नहीं कहेगा तू अपनी कवर जाना मैं अपनी कवरेज के जनाब बड़ी मेहरबानी जनाब दस देता है यही कहेंगे ना लेकिन आखिरत की कोई बात करे तो फौरन उसके अंदर तू अपनी कवरेज जाना मैं अपनी कबर में जाना तो ये हकीकत है अपनी अपनी कबर में जाना है लेकिन ये मनसब किसका है नबियों का मनसब इस कायनात में अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा मखलूक कौन है अंबिया पसंदीदा काम जो अल्लाह का है वो अपने नबियों को दिया हुआ है और वो कौन सा है अमर बिल मारूफ व नहीं को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना इससे अगर कोई अच्छा काम होता तो अल्लाह ताला, ताला अपने पैगंबरों को देता क्योंकि वो पैगंबर अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमेक्स है इंसानों में भी सबसे ऊपर और उनका मतलब यह है तो क्यामत वाले दिन पैगंबरों का साथ भी उन लोगों को नसीब होगा कुरान पाक कुरान पाक और अदीस की रोशनी में जो नबियों वाला काम करते हैं तो मैं तुमसे नहीं मांगता कि मुझे रिस्क दो और ना मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे खाना खिलाओ बल्कि अल्लाह ताला ही लोगों को रिस्क देने वाला है और वो जबरदस्त कुत वाला है और क्या रिस्क दे रहे है आप जरा सोचें रिस्क फ्री दे रहा है आप सोच रहे होंगे फ्री कौन सा रिस्क दे रहा है भाई फ्री वो रिस्क दे रहा है जिस रिस्क के बगैर आप दो मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते कौन सा रिस्क है वो सांस फ्री है कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर यह पानी से रोटी से भी बढ़कर जरूरी है पानी रोटी के बगैर तो इंसान जिंदा भी रह सकता है बल्कि ये जो 2008 के जल्जले में जो औरत दो महीने तक वो जो मलबे के नीचे जिंदा रही थी इसी तरीके से कितने मरीज हैं वो बिस्तरे मर्ग पे रहते हैं कितने कितने दिन तक खाते पीते नहीं है कमजोर हो जाते हैं लेकिन गुजारा चलता रहता है लेकिन सांस डेढ़ से दो मिनट से ज्यादा इंसान सांस नहीं रोक सकता सांस छोड़ दे उसको पानी में डाल देना वहां पे वो पानी भी इनहेल करेगा तो मर जाएगा या मछली को निकाल के इधर रख दे बाहर हवा में तो वो मर जाएगी तो ये रिस्क अल्लाह ताला मुफ्त दे रहा है सबको अल्लाह ताला सबको खिला रहा है अल्लाह ताला फरमाता है मुझे रिस्क की जरूरत नहीं तुमसे मैं खुद देने वाला हूं अल्हम्दुलिल्लाह mm. चौथा क्रॉस सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर बारह अब यहां से कुछ आयात हैं जिनमें इस चीज की तरफ अल्लाह तबारक ने इंसानियत को मायल किया है कि अल्लाह तआला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है रिस्क की जिम्मेदारी जरूर ली है लेकिन आपके मुंह में आगे नहीं कोई रिस्क डालेगा वो तो जिनको डालना है उनको तो अल्लाह ने उस तरीके से रख दिया बाकी जो चलने फिरने वाले जानदार हैं उन्होंने कोशिश करनी है एक परिंदा अगर अपने घोंसले में बैठा रहे हो कि अल्लाह तला इधर मेरे मुंह में डाले जबकि अल्लाह ने उसको कैपेबिलिटी दी है उड़ने की और जाके चुगने की उसको चुगने के बाद ही रिस्क मिलेगा ये अल्लाह की सुन्नत है इसी तरीके से इंसान को भी कोशिश के बाद मिलेगा इंसान के मुंह में अल्लाह ने तिज् नहीं डालना ये दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा है अब उसका जिक्र है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर बारह आयत और हमने रात और दिन को अपनी दो बड़ी बड़ी निशानियां बनाया है फमा आयत लैल तो हमने रात की जो निशानी है इसको तो तारीख बनाया वजअलना आयत नहारी मुबसिरा और दिन की जो निशानी है इसको रोशन बनाया किस लिए लिएकुम ताकि तुम अपने रब का फजल यानी रिज तलाश करो उस रोशनी के अंदर जाहिर रोशनी के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना जी इवन आज बिजली भी है तब भी आप रात को बिजली पे अगर खर्चा करेंगे तो वो तो डबल ही खर्चा होगा लेकिन दिन के वक्त आप रात के वक्त बल्ब बाहर रोशन करें गाड़ी के नीचे अगर किसी मकैनिक ने गुजरना है तो नीचे बल्ब साथ लेके जाएगा और अल्लाह ने ऐसा बल्ब लगा दिया सूरज के दिन के वक्त भी कोई बल्ब नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है वो बाहर है लेकिन रोशनी किधर है, रिफ्लेक्शन के जरिए तो अल्लाह रोशन बनाया वालमू आदिन हिसाब और तुम माहो साल की गिनती रख सको यह अल्लाह तबारक वाले ने दिन और रात का ऐसा सिलसिला बनाया तीन सौ पैंसठ दफा दिन आएगा और तीन सौ पैंसठ दफा रात अगर आप सोलर ईयर की बात करेंगे और ल्यूनर ईयर में तकरीबन तीन सौ पचपन दिन बनते हैं वकुल्लाशन फसल ना तफसीला और हमने हर शह को बड़ी तफसील के साथ बयान फरमा दिया है इस किताब के अंदर पांचवा क्रॉस रेफरेंस इसी हवाले से वखलक ना कुम अजवा और हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया इंसान हो जानदार हो इवन प्लांट्स में भी नर और मादा मेल और फीमेल जोड़े मौजूद हैं जालना नउमकुम सुबह आता और हमने नींद को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया ये नींद ऐसी चीज है कि इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते यानी इंसान कितना भी ताकतवर हो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे जाग लेगा वो देखें ये आप कभी हमने गौर नहीं किया कि हमारी मशीनरी काम करना बंद कर देती है वैसे जो ये मटेरियल की चीजें हैं साल के बाद उनका शट डाउन पीरियड आता है ये जो फैक्ट्रियां प्रोसेस इंडस्ट्रीज है साल में एक दफा उनको बंद किया जाता है लेकिन इंसान एक ऐसी मशीन है जो दो दिन के अंदर अंदर दो नहीं तो ज्यादा से तीन दिन तक उसके बाद शट डाउन हो जाएगी उसको आप जहां पर भी रखेंगे उसको नींद आ जाएगी यानी हम सोए बगैर अगले दिन को काम ही नहीं कर सकते और देखें सोना कितना इंपॉर्टेंट है हमें यह बिल्कुल पता होता है कि ये काम हमने करना है बाकी सारे काम हम आगे पीछे कर देते हैं इसको भी कितना आगे पीछे करेंगे अल्टीमेटली सोए बगैर गुजारा नहीं है ये इंसान की अल्लाह ने यह भी एक खुराक रख दी है ऐसी नींद इसके बगैर गुजारा ही नहीं है यानी हम कितने लाचार हैं कि बगैर सोए सोएबे गुजारा नहीं अब आपको समझ आई ला तक अल्लाह तुम आता है ना उसे ऊंग छू सकती है ना नींद ये अल्लाह की क्वालिटी है जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इयर्स से अल्लाह ताला हुल तलाम हर चीज को थामे हुए है और खुद से जिंदा है हम तो देखें ये कहते हैं जी वो बुजुर्ग साहब किताब रखेंगे बुजुर्गों के अपनी नींद रोक के बता दें कोई बंदा सोया हुआ हो जितना मर्जी वो बुजुर्ग हो पहुंचा हुआ आप उसके पास खड़े होकर बात करें वो सुन ही नहीं सकता कहते हैं कब्र में जाके सुनते हैं उनको कहें इधर वो जो सुनना है वो तो इबरत के लिए वो एक मौके पर है बुखारी में आता है कि जब मुर्दे को दफना कर जाते हैं तो कदमों की आवाज सुनता है वो सिर्फ इसलिए कि वो सारे सुनते हैं वो अबू जैल भी सुनता है अबू बकर उमर उस्मान वाली भी सुनते हैं मैं और आप भी सुनेंगे ताकि नेक आदमी है वो कहे शुक्र है ये तो मुझे छोड़कर चले गए मेरे अमाल तो मेरे साथ हैं और जो गुनागार है उसकी हसरत में इजाफा हो कि इन पे मुझे तकिया था जो मुझे छोड़ के चले गए मुझे तो अपने साथ लाने चाहिए थे उससे पकड़ के पता नहीं क्या मसले निकाल लिए भाई कोई कुछ नहीं कर सकता जो कहते हैं ना वो मरने के बाद सुन सकता है उसको कहें जो ये लेटा हुआ शख्स है सामने सामने उसके सामने बात करके बताएं वो सुन के बताए कोई नहीं सुन सकता इंसान तो इतना लाचार है अपना पेशाब नहीं रोक सकता नहीं रोक सकता और पेशाब बंद हो जाए तो कोई जारी नहीं कर सकता ये बात हकीकत है तो अल्लाह हमने ज़मीन जो है नींद को सुकून का ज़रिया वजाल लिबासा और हमने रात को पर्दे का एक सबब बना दिया रात हो जाती है हर चीज़ जो है वो अपने पर्दे में आ जाती है बड़ी प्राइवेसी इंसान की प्राइवेट लाइफ जो है वो रात के वक्त में उसको एग्जीक्यूट करना कितना आसान हो जाता है वजान नहारा माशा और हमने दिन को मईत कमाई करने का ज़रिया बना दिया है दिन में इंसान अपनी माश के लिए निकलता है उर्दू में भी लफ्ज माश का इस्तेमाल होता है अल्लाह और अगला क्रॉस रेफरेंस यह सूरत नबा की आयत नंबर आठ से ग्यारह तक थी अब छठा क्रॉस रेफरेंस सूरत की आयत नंबर थर्टी वह और यह के इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करे चाहे वह आखिरत के से कोशिश करे या दुनिया के से। जो इंसान कोशिश करता है उसको अल्लाह तबारक वाली वो अता फरमाता है जैसे सूर्य शूरा में आता है कि जो दुनिया की खेती का तलब गार है हम उसे दुनिया में भी देंगे और जो आखरत का तलब गार है हम उसे आखरत में देंगे लेकिन जो सिर्फ दुनिया का तलब गार है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा इसलिए हमें दुआ सिखाएगी रब्ब ना आती ना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरती हसन तक आदा बन और बुखारी और मुस्लिम की मुतफक हदीस है कि आप सल्ला वसलम और कोई दुआ मांगे या ना मांगे ये दुआ जरूर मांगा करते थे रब ना फिर दुनिया हसन वफिल्लासन आदाबना और एक बड़ी खतरनाक हदीस है सही मुस्लिम में मुझे चलते चलते याद आ गई एक सहाबी बिल्कुल कमजोर हो गए बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बन गए गोश्त तक उनका खत्म हो गया बीमारी की वजह से तो हजूर सल्ला व लिए तशीफ लाए तो आपने फिर ये तेरी हालत किया उसने कहा तो दुआ करता था अल्लाह मुझे तो आखिरत में ही जो देना है वह देना दुनिया में मैं तुझसे कुछ नहीं मानता ये वो फैनेटिक्स वो तसवुफ के अंदर भी जो एक नजरिया आता है तो आपसे मांगता रहा है तुझे चाहिए था तू कहता रबना फिर दुनिया हसना फिर आखरती हसना आखरती उसके खजानों में वो कमी है इधर मुझे आखरत में देना कि काटना पै जाए ना उस अल्लाह से मांगना है दुनिया में भी मांगना है और आखरत में। तो दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस हवाले से मेरी गुफ्तगु मसला नंबर एटी टू आप सुन लें दुआ की कबूलियत का तरीका कार क्या है दुआ का प्रोटोकॉल क्या है उसमें मैंने ये डिटेल से बताया तो अल्लाह ने फरमाया कि हर इंसान के लिए वो है जिसके लिए वो कोशिश करे अब इसके अंदर अल्लाह तबारको तला ने उन लोगों का भी नफी फरमा दी है कि जो अस्बाब की नफी करते हैं इस कॉन्टेक्स में मैं एक हदीस बयान कर दू फिर मैं इसमें थोड़ी सी गुफ्तु करूंगा यह बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है सही मुस्लिम में किताबुल कदर चैप्टर में तकदीर वाले चैप्टर में इंटरनेशनल अमरीके मुताबिक छह हजार सात सौ चौहत्तर नंबर हदीस है और मिशकात में भी ये पांच हजार दो सौ अट्ठानवे नंबर मिशकात में सही मुस्लिम के रेफरेंस से वो लेकर आए हैं और ये मोस्ट इंप्रेसिव हदीस है इस टॉपिक के ऊपर और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल अकीदा क्लियर कर देगी कि अल्लाह तबारक तला ने दुनिया को असबाब और कोशिश के साथ जोड़ा हुआ है इसीलिए हमें हुक्माना नेकी प्रेस्गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के कामों में ना करो तो एक दूसरे की मदद करनी है अस्बा... में। लेकिन गायब में पुकारना दुआ करना वो अल्लाह त के साथ खास है सही मुस्लिम छह हजार सात सौ चौहत्तर किताबुल कदर तकदीर वाला चैप्टर आप सल्लाम नेरमाया कवि मुमिन अल्लाह तला को कमजोर मुमिन से ज्यादा महबूब है सेहतमंद जो मोमिन है वो अल्लाह तला को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है जहरा सेहतमंद होगा तो दावत तबली का भी काम करेगा और बाकी काम भी करेगा जो बेचारा कमजोर है ठीक है और उसने अपनी हालत ही खुद गैर की हुई है तो वह आगे दीन का क्या काम क्या करेगा लेकिन सब ही में खैर है ये भी कवर कर दिया कि हो सकता है किसी पे मुफलसी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला हो कि बेचारे का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह का है लेकिन कोशिश इंसान अपनी सेहत को अच्छा रखने की अपने माली हालात बेहतर करने की कोशिश जरूर करे इसकी तरफ इशारा है कि कभी मुकमिन अल्लाह तला को कमजोर से बढ़कर महबूब है हमारे उल्टे कंसेप्ट हम कहते हैं जो नंगा पीर है जो नंगा, जो नंगा फिर रहा है ये कोई शायद अल्लाह तला का वली है ऐसा नहीं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे नसीहत फरमाई ये नसीहत सुनने से ताल्लुक रखती है मैं इसके अरबी अल्फाज पढ़ने लगा हूं एहस अला मा फारूक ए अबू हुरैरा अपनी पूरी कोशिश कर हर उस चीज के हसूल के लिए जो तुझे नफा दे हिर की हद तक पूरा जोर लगाना है यह नहीं है वो पेपरों में पढ़ते हैं आके पूरा साल पढ़ते नहीं कहते नहीं दुआ करो पास हो जाएंगे इस्लाम नहीं इसको मानता इस्लाम कहता है पूरी कोशिश करो एक बंदा हार्ड हराम हो चुका हुआ है और वो कहता है जी मेरा वो कारोबार सेट नहीं होता और हालत यह है कि उसको टाइम देने के लिए कारोबार को तैयार ही नहीं है नौकरी पर टाइम पर जाने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल उलट बातें हैं ये देख लें हमारे सोच और गुमान से लेकिन बिल्कुल फिट इन बैठती है इंसानियत के एतबार से यह रिलीजन आप एक गैर मुस्लिम को पेश कर सकते हैं ये जो सुफिया ने कॉन्सेप्ट दिया है ना कि हर बात में अल्लाह पर तवक्कुल कर लो कुछ करने की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला परिंदों को भी खुराक देता है हमें भी देगा ये कॉन्सेप्ट नहीं है आदि के अंदर ये आप जरा सुन लेन फारुक हर उस चीज के लिए फुल जोर लगा दे हिर कर जो तुझे नफा दे कैटेगोरिकल जो भी नफा दे दीन में दुनिया में आगरत में वस्ताइन बिल्ला और साथ साथ अल्लाह से भी मदद मांगते रहना यह मोमिन की निशानी है इस्बाब इख्तियार करता है लेकिन नजर मुसबाब पे होती है दोनों चीजें पैल में वलाताजिज और देखना सुस्ती ना करना और काहली ना करना टेला नहीं होना चाहिए था पूरा जोर लाना है सही मेहनत करनी है वह इन असाबक शई फिर भी अगर तुझे कोई मुसीबत आ जाए यानी तूने पूरी कोशिश की अल्लाह की मदद भी मांगी सुस्ती नहीं की काहली नहीं की पूरा जोर लगाया उसके बावजूद तेरे हक में रिजल्ट नहीं आया जो तू चाहता था एहन मुमकिन है कि वो अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो जैसे बकरा में आता है किताल के कॉन्टेक्ट में और वैसे वो जर्नल भी है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको तुम करात करते हो और उसमें तुम्हारे लिए नफा होता है और कई चीजें जिनको तुम महबूब समझ रहे होते हो उसी में तुम्हारे लिए नुकसान होता है और अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते तो जब तुम्हें तकलीफ आएगी पूरी कोशिश करने के बाद फला तक फालतू का न कदा वकदा और ये फिर मतन, मत नत कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो यह हो जाता ठीक है ना अक्सर लोग होते हैं ना बाद में फिर इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं प्लानिंग करना अलग चीज है लेकिन अपनी तरफ से हर एतबार से सही किया उसके बावजूद रिजल्ट हक में ना आया जो सईद नाली का कॉल है कि मैंने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है तो यह ना कहना कि मैं ये कर लेता तो यह हो जाता वाला उल कदर शाह अफान बल्कि यह कहना जो अल्लाह ने मेरी तकदीर में बेहतर समझा वो मेरे साथ कर दिया यह कह देना इसके बगैर तो इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता रो रो के मर जाएगा गम गा से किस किस चीज का गम खाएगा फू तफ तह अमलान बेशक लऊ यानी काश मैं ये होता तो ये कर लेता ये कर लेता तो यह कर लेता यह शैतान का दरवाजा खोल देता है काश नहीं पूरी वक्त कोशिश की उसके बाद जो अल्लाह की मर्जी

आप जरा बिस्मिल्ला पढ़ के आग में छलांग लगाएं इंशाल्लाह जरूर जलेंगे क्योंकि अल्लाह तला ने आपको गारंटी नहीं दी हुई है ऐसे हो नहीं सकता ना कहीं कुरान में लिखा हुआ है ना कहीं हदीस में कि बिसमिला पढ़ के तो बिजली के साकेट में दो उंगलियां दाखिल कर रहे हैं तो करंट नहीं लगेगी इंशाल्लाह जरूर लगेगी सर्दियों में नंगे पाओ जमीन पर फिरेंगे इंशाल्लाह जरूर ठंड लगेगी क्योंकि ये दुनिया फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर के साथ अल्लाह ने जोड़ी हुई है तो असबाब की तो नफी नहीं होनी ये मौजाद कभी कभार अल्लाह तला करता है अच्छा जी वो अल्लाह तला ने जो है वो समुद्र फाड़ दिया मूसा इस्लाम के लिए तो लिहाजा हम किश्ती की जरूरत नहीं बिस्मिलाड़ी हुई है अच्छा अगर किसी को बात ना समझ आए तो फिर क्या चीज दी जाती है उसे आजमे के लिए पक्की यानी इल्जामी जवाब फिलोसफिकल आंसर एंटी वैनम कुछ ना समझ आ रहा तो आप उनको कहेंगे फिर आप लोगों को यह भी कहा जाए करें मौलवियों को खूस क्योंकि ज्यादातर उसी तबके में उठते बैठते हैं ना इनको कहा करें कि शादी करने की कोई जरूरत नहीं अल्लाह तला चाहेंगे तो सईदा मरियम को भी बगैर शादी के औलाद दे दी आपको भी दे देंगे ऐ नहीं ये कहेंदे ऐसे इस बाबी नफी कर दे इस बाप के नबी में वो इब्राहिम इस्लाम के लिए आग ठंडी हो गई और मूसा इस्लाम के लिए दरिया फट गया तो यह भी तो हुआ हुआ ना कि सईदा मरियम को बगैर शादी के अल्लाह तला ने औलाद दे दी हुई है तो आप भी फिर यह कहा करें शादी की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह तला चाहे तो बगैर शादी के भी औलाद नहीं कहेंगे ये करना भी तो सुन्नत है आप वसल्लम तजारत नहीं करते रहे आप और आपके देखेंट करते रहे तो कुएं खोदा करते थे इससे अपनी गुजर बसर करते थे इसी तरीके से मुख्तलिहा दूध दही की उनकी दुकान थी अल्लाह ने उसमें बरकत दी तो सबके सब लोग असबाब जमीन में हाल चलाया करते थे कितने तो उनसे ज्यादा तवक्ल किसका था अल्लाह पर इसबाब की नफी करना यह जो तस्वुफ के अल्लाह तला की मोहब्बत में एक्सैजन और गुरु हुआ है कि इस्बाब की नफी करो अल्लाह चाहे तो खिला सकता है और फिर उसका रिजल्ट यह होता है ये लोग तबलीग के लिए चार चार महीने एक एक साल के लिए निकल जाते हैं पीछे ना बी बच्चों की वह हालत होती है बुरी हालत हुई होती है और फिर उसकी वजह से पूरा खानदान जो है वह रिलीजन से मुतनफर हो जाता है यह नुकसान होता है उसका रिलीजन से मुतनफर हो एक साल के लिए तो किसी को इजाजत ही नहीं है इस तरीके से वो छोड़ के बीवी को चला जाए इस्लाम में तो इसकी इजाज़त नहीं है ज्यादा से ज्यादा हजरत उम्र से मिलता है चार महीने वो भी ज्यादा एज ए लास्ट रिजॉल्ट वरना एक महीने से ज्यादा नहीं जाना है साथ लेके जाए साल के लिए जा रहे हैं जमात में बीवी को साथ लेके जाए फिर और फिर इस किस्म की फिर बुरी खबरें भी सुनने को मिलती हैं पीछे से और बड़े मामला खराब होते हैं और फिर वो ये होता है कि उनके घर के हालात भी अपने खुद रिलीजियस नहीं रहते क्योंकि वो दू, दूसरों को तब्लीग कर रहे होते हैं लेकिन घर के ऊपर उनकी तबलीग नहीं होती है क्योंकि घर में रहते जो नहीं है तो ये इस्बाब की नफी जो है इस हवाले से मैंने इसके लिए पक्की भी दे दी इन उम्मीद है कि अगर किसी को उस तरह बात समझना ही किताबो सुनत की अगर कोई नहीं समझना चाहे वैसे तो मुसलमान के लिए तो समय ना मतान है सुना और मान लिया लेकिन ये फिर एज ए लास्ट रिजाल्ट ने यह आखिरी बात भी इस हवाले से कर थी तो सूरत की आय थर्टी नाइन हमने पढ़ ली वालई सल इंसान इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करेगा चाहे वो दुनिया के एतबार से या आखिरत के से कोशिश करेगा अल्लाह तबारा उसके लिए राहें खोलता जाएगा राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राय उनके लिए खोल देंगे में ये आयत आती है सातवा रेफरेंस सूरतुल बकरा की आयत नंबर और टू सिक्स वालो खर्च करो अल्लाह की राह में पाकिजा माल मा कसब तुम जो के तुमने कमाया देख ले कसब कमाया मम अखरज नकुम अखरज मिनल अर्द और वो माल जो हमने जमीन की अजनास में से तुम्हारे लिए पैदा किया उनमें भी जक़ात है जो जमीन का है उसमें उशर है दस फीसद है जकत के हवाले से मसला नंबर नाइनटी फाइव ए और नाइनटी फाइव बी में मैंने सदका और खराद की अहमियत और जकत के हवाले से सत्तर कदीम और जदीद फी की अकामों मसायल बयान किए हैं तम खबी था मिनहू त और मत इरादा करो नापाक माल का अल्लाह की राम में खर्च करने का अगर वो खर्च किया जाए तुम्हारे लिए तुम भी ही तुम्ण। तुम्ण। अगर वही नाकिस और घटिया माल अगर तुम्हें दिया जाए तो तुम भी लेने के लिए तैयार ना हो ऐसा माल अल्लाह की राम में खर्च ना करो इल्ला ये के तुम चशम पोशी से काम लो कोई मतलब ऐसा बंदा है कि तुम उसको बोलना भी नहीं चाह रहे फिर तो तुम ले लोगे वो घटिया माल किसी से उसका मुंह रखने के लिए वरना तुम जिस घटिया माल को पसंद नहीं करते हो उस किस्म का माल अल्लाह की राह में भी खर्च ना करो गनी हमीद और ये जान लो खूब बी अटेंशन अल्लाह अल्लाह बेपरवाह है, है तो खुद लोगों को देता है वो अगर मांग रहे हैं तो तुम्हारे लिए आखिरत में अल्लाह डिवाइन बैंक में तुम्हारे लिए स्टोर कर लिए तुम्हें करोड़ों अरबों गुना करके लौटाएगा अल्लाह तला बेपरवाह है हमीद अपनी जात में खुद सतूदा सिफात है अल्लाह तला को किसी की हमद की जरूरत भी नहीं है अल्लाह तला खुद अपनी जात में सतूदा सफात है यईदुकुमुल कुफ अश्शानु यईदुकुमुल फक्र। शैतान जो है वो तुम्हें अंदेशा दिलाता रहता है हमेशा गुरबत का वुरुम बिलफहशाह और तुम्हें हुक्म देता है कि तुम बेहयाई का काम का करो और अल्टीमेटली ये होता है बाद लोग गुरबत की आड़ में जो है वो जिसम फरोशी के ऊपर भी आ जाते हैं उतर जाते हैं और पता नहीं कहाँ तक मामला जाते हैं तो शैतान की अल्लाह तला तो ने दो निटोर बातें बताई कि एक तो तुम्हें फाके का अंदेशा लगा देता है वो यानी जब कोई बंदा नमाज रोजा शुरू करते तो फिर लोग इस तरफ भी होते कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होना है आप इसने दाढ़ी रख लिया तो आप शायद ये बीव बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा बसा औकात होता भी है ऐसा वो फैनेटिक्स भी हो जाते हैं तकबे का हैज़ा भी हो जाता है बल बैलेंस लाइफ इस हवाले से होनी चाहिए तो शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता रहता है गुरबत का और तुम्हें बेहयाई की तरफ माइल करता है और अल्लाह क्या करता है वल्लाकुम मगफिरतम मिनला जबकि अल्लाह तला तुम्हें वादा देता है अपने फजल का और अपनी तरफ से मगफिरत का वल्ला वासम और अल्लाह तुसत वाला इल वाला है अलहमद ला क्रॉस रेफरेंस नंबर आठ यह अब आ रही है वो क्लाइमैक्स आप समझ लें कि पूरे का पूरा लेक्चर पीवट है इसके ऊपर कि ये इंसान अल्लाह ताला ने जो इंसान को अजमाइश में क्यों डाला हुआ है सूरतुल बकरा आयत नंबर एक से एक सौ सत्तावन वाला नबलुनकुम बिश मिनल खूफ दूध पीने वाले मजनू नहीं अल्लाह को चाहिए हम जरूर तुम्हें अजमाएंगे थोड़े से खौफ से ये नहीं कि बहुत ज्यादा बिश थोड़ा बहुत आएगा मिनल खौफ खौफ मुख्तलि किस्म के खौफ होंगे रिस्क के हवाले से खौफ होगा दुनिया में अमन के अतबार से खौफ होगा बच्चों की शादी के अतबार से खौफ होगा कभी कोई खौफ अंदेशे लाहक रहेंगे इसका सही प्रॉपरीट तर्जमा होगा अंदेशा वलजूर और भूख के जरिए भी व नकसम मिनल अमवाली वल अम्फुस और माल के नुकसान से भी और जानों के नुकसान से भी किसी का जवान बेटा फौत हो जाएगा किसी औरत से उसका खामद अल्लाह ती लेगा ये अल्लाह तबारक वाली ने आजमाना है आजमाए बगैर नहीं छोड़ना समरात और फलों में नुकसान हर किस्म का फल जो भी गजा है या उसके अलावा जो अल्लाह की नमतें है वह साबरीन और बिशारत है फिर सबर करने वालों के लिए अल्लादीना मुसीबा वो लोग के जब कभी उन्हें मुसीबत कोई पहुंचती है कोई परेशानी आती है कालू इन्ना जरूर वो कहते हैं बेशक हम खुद भी तो अल्लाह ही के लिए हैं और हमें भी लौटकर अल्लाह के पास जाना है ये जो ने मुझसे ले ली चाहे माल की शक्ल में औलाद की शक्ल में ये अगर अल्लाह के पास गई है तो मुझे भी तो अल्टीमेटली लौट के अल्लाह के पास जाना है मुझे बताएं जो बंदा जो पाकिस्तानी मर चुका है अब उसकी बिलास है अगर पाकिस्तान पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर ले तो उसको कोई फर्क को पड़ेगा मरने वाले के लिए तो दुनिया खत्म हो चुकी है उसके लिए तो दुनिया में कोई पाकिस्तान वो हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीत ले क्रिकेट का भी जीत ले स्नोकर का भी जीत दे उसको क्या फर्क पड़ता है जो दुनिया से जा चुका है और जो दुनिया में तो किसी ने रहना ही नहीं हम खुद भी अल्लाह ही के लिए हैं हमारी चीजें अगर अल्लाह ने ले ली तो हमने भी तो अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है यह फिर अल्लाह तला की तरफ से एक स्लोगन भी है मुसलमानों के लिए जब भी कोई सदमे की खबर सुने तो इन्ना राज पढ़े उलाम सलाम ऐसे साबिरों के लिए अल्लाह तला की तरफ से रहमत है दुरूद है ऐसे साबिरों पर उनके रब की तरफ से वह रह और उलामुखता और यही है दरअसल हदायत याफ्ता लोग हदायत पे अगर कोई लोग हैं तो ये लोग हैं जो सबर करने वाले हैं अल्लाह ने आजमाए बगैर नहीं छोड़ना ये अल्लाह की सुन्नत है तो रिस्क में जो इस किस्म के नुकसान अल्लाह की तरफ से आते हैं उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह तला से रिस्क में बरकत मांगनी चाहिए बजाय रिज्क में फरवानी के बरकत हो थोड़ा रिस्क हो उसमें अगर बरकत हो करोड़ों अरबों कोई कपाए और वो उसी तरीके से निकल जाए घर में कोई ऐसा बंदा बीमार है जिसपे लाखों रुपया बीमारी पर लग गया फिर मुफलिस का मुफलिस इसी तरीके से लोग हराम तरीके से माल कमाते हैं और फिर वो हराम तरीके पर निकल भी जाता है पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया तो अल्लाह तला की तरफ से बीमारी ना आना और थोड़ी सी आ, रिस्क पे बरकत होना ये बहुत बड़ी अब किसी की अगर महीने की इनकम बीस हजार रुपये आए अगर उस पर बीस हजार रुपये की बीमारियां आ जाए तो कहां से पूरी करेगा और अगर किसी महीने बीमारी नहीं आई है तो वो बीस हज़ार तो उसको भी गिने ना और लाखों रुपए की बीमारी भी आ सकती है अल्लाह तला की तरफ से बरकत और फिर जो रिस्क अल्लाह ने मुकर्र किया वो मिलना है कितने अमीर लोग हैं जो बिरयानी नहीं खा सकते चना चाट नहीं खा सकते टोस्ट के साथ दो वक्त वो दो टोस्ट सुबह लेते हैं दो शाम को लेते हैं अब इतने वो उनके पास डॉलर्स मौजूद हैं पाउंड मौजूद हैं लेकिन वो खा नहीं सकते उनको और फिर अगर वो खा भी सकता है आजादाना को खा ही नहीं सकता इतनी सिक्योरिटीज लगी हुई होती हैं बेचारे जो ये अमीर मीर लोग हुसा हमारे कल्चर के अंदर तो बड़ा मुश्किल है और मैं कहता हूँ यार वो अमन वाले मुल्क देखें आप बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान है लेकिन इसी तरीके से फुटपाथ पर चलता है उसे कोई नहीं है उतने उस उतनी तो इमारत यहां किसी के पास हो तो उसे अपने कमरे में भी दस बॉडी गार्ड रखने पड़े ये इस मुल्क की हालत हो चुकी हुई है सिर्फ यह है कि और यह याद रखिएगा जिन कौमों में इंसाफ होता है वो कौमें एग्जिस्ट कर जाती हैं दुनिया के एतबार से अल्लाह ताला उनको अमन दे देता है चाहे उनमें रिलीजन ना भी हो लेकिन जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता चाहे रिलीजन भी हो वहां पर कभी अमन नहीं आ सकता ये बड़ी कांटे की बात है, है इन बयान करूंगा यहां मैं एक हदीस जरूर बयान कर सही मुस्लिम में इंटरनेशनल के मुताबिक सात हजार एक सौ सत्तावन ये सारी की सारी तकलीफें दुनिया की जिंदगी तक के लिए हैं क्या आप सल्लाह ने फरमाया जब जन्नति जन्नत में दाखिल होंगे तो चार बातें अल्लाह की तरफ से उन्हें कही जाएंगी नंबर एक जन्नतियों तुम्हें मुबारक हो तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे नंबर दो तुम हमेशा जिंदा रहोगे कभी नहीं मरोगे नंबर तीन तुम हमेशा जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे और नंबर चार तुम हमेशा खुशहाल रहोगे कभी बदहाल नहीं होगे और सबसे बड़ी खुशहाली क्या है वो बाकी आदीस में आता है अल्लाह की रजा मिल जाएगी उसके बाद अल्लाह कभी नाराज नहीं हो। इस हवाले से सत्रह अहदीस मैंने बुखारी और मुस्लिम के हवाले से बयान की हैं अपने एक्सक्लूसिव लेक्चर में जो मैं कहता हूँ मुझे खुद बहुत पसंद है मसला नंबर इक्यान रिज के हराम फितना माल दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज उसमें मैंने दस आयात कुरान पाक से क्रॉस रेफरेंस के तौर पर और सत्रह सद अदीस इसी जन्नत के अतबार से और आखरत में क्या इनाम मिलने वाले हैं

ये सबसे हैरान हैरानक आयत है कुरान पाक में मेरे लिए तकदीर के हवाले से है इसके बगैर इंसान को सब्र नहीं आ सकता और आप हैरान होंगे कि आयत शायद आप में से अक्सरीत पहली दफा पढ़ रही हो सूरत सूरतुलहदीत आयत नंबर बाईस और तेईस माँ असाबा बम मुसीबत फिल अर्द वला कोई मुसीबत नहीं है जो जमीन में नाजिल हो जलजला आ जाए सलाब आ जाए कोई दुनियावी आफत आ जाए और ना तुम्हारी जान पर जान पे क्या बीमारी आ जाए परेशानी आ जाए तंगी आ जाए माल के से, सेहत के अतबार से अल्लाह तम आता है दुनिया में कोई परेशानी और मुसीबत है कोई ऐसी परेशानी और मुसीबत नहीं है मगर यह कि वह हमने अपने पास लोहे महफूज में पहले ही लिख ली है इससे पहले कि हम उसे पैदा करें जलजला आने से पहले अल्लाह के इल्म में लोहे महफूज में लिखा हुआ है इसी तरीके से तूफान आंधियां किसी शख्स को कैंसर होना किसी की औलाद का मर जाना है हर तकलीफ़ जो दुनिया पे आती है किसी भी जानदार के ऊपर अल्लाह तला ने पहले ही मरोए महफूज पे लिख ली है और कोई परेशान ना हो जाए इन नजा यसीर बेशक ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है कोई मुश्किल नहीं है हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं कहता हूँ हमारे सामने हो जाए तो हम सारा डाटा नहीं रख सकते और होने से पहले लिख लेना

और अल्लाह ताला नहीं पसंद फरमाता घमंड करने वालों को और शेखी खौरों को जो शेखी बिगाड़ते फिरते हैं अल्लाह ताला को ऐसे मतकबरीन पसंद नहीं है जो मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो जो ना मिले तो अल्लाह ताला की तरफ उसे मंसूब कर दो इस आयत के बाद इन दो आयत के बाद इंसान को सब्र आ जाता है कि ये मेरी तकदीर में जो अल्लाह ताला ने मुसीबत लिखी थी आजमाइश के तौर पे वो करना है अल्लाह ने आजमाना जरूर है उसके बगैर चारा नहीं रेफरेंस नंबर टेन फजर आयत नंबर पंद्रह तब बीस ये भी बहुत क्रिटिकल आयात है फ अमल इंसान और जो इंसान है जब कभी हम उसे मुबतला करते हैं हु उसका रब उसे मुबतला करता है फ अक्रमह हो इस हाल में आजमाइश में डालता है कि उसका इकराम करता है और उसे खूब नियमतें देता है फकुल रब्बी अक्रमन तो वो कहता है मेरे रब ने मेरा बड़ा इकराम किया जब अल्लाह ताला उसे कोई देता है नेमत और उसका करता है कहता है कहता अल्लाह ने बड़ा इकराम मेरा किया बड़ा अल्लाह का फजल है लेकिन साइमल्टेनियस कंट्रास्ट ट्रास्ट वह अम्मा इजा मुबतला और जब कभी फिर हम मुबतला कर देते हैं उसे फकदर आलही रिजका और उस पर रिज की तंगी कर देते हैं फकूल रबी आहान तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे बड़ा जलील कर दिया यानी वो अच्छा वक्त वो बुला ही देता है कि कभी उस पर अच्छा वक्त भी आया था हालांकि होना चाहिए अल्लाह ये आजमाइश थी जब तूने मुझे इतने दिन अच्छे दिखाए अगर ये दो दिन मेरे पे बुरे आ गए तो ये भी टल जाएंगे तो कहता मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया सब कुछ बुला बैठता है तो ऐसा ना शुक्र है कल्ला बल्ला तुक्रीमून अलम नहीं बल्कि तुम्हारा अपना हाल यह है कि तुम खुद तो यतीम का इकराम नहीं करते मिस्किन और इतना कुछ दिए जाने के बावजूद तुम तो मिस्किन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते किसी को नहीं कहते कि मिस्किन को खाना खिलाओ तरगीब क्यों दिलाएं इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है अगर कोई शख्स कहेगा कि भाई गरीबों को खिलाओ तो लोग कहेंगे जनाब तो इन्ना कुछ है तुम्हें भी तो अल्लाज को जेब डी करो ना तो इसलिए फिर लोगों को भी वो तरगीब नहीं दिलाते कोई अपने ऊपर ही ना फतवा लग जाए फिर लोगों को ऐसे लोग पता ही कहते हैं जनाब देखो काला से को संभाल के रखो सब कुछ ना दे देना इस तरह के आपको लोग ना इस तरह कंजूस किस्म के लोग जो है ठीक है बहुत ज्यादा भी नहीं खर्च करना लेकिन ये कंजूस लोग लोगों को भी कंजूसी की तरफ माइल करते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हमसे ना कोई डिमांड कर ले कि भाई आप अल्लाह की राह में खर्च करें इतना आपको अल्लाह ने दिया है वो पहले ही लोगों को प्रियमटिव हक शुफा के तौर पर कह रहे थे देखो जनाब जरा तक सुन के चलना चाहिए ताकि जनाब साड़ी बचत हो जाए तो अल्लाह तफ माता है कि ये तरकीब नहीं दिलाते मस्किन को खाना खिलाने की अकल लम्मा और अपना हाल यह है कि विरासत में से सब कुछ ही हड़प कर जाते हैं जहां कहीं इनको मौका मिलता है और नजर आता है मतलब वाले नमाजों वाले भाई मर गया भतीजों की जदाद पर कब्जा कर लेते हैं और देते भी नहीं है देखें अल्लाह तुम तुरा सा माल हड़प कर जाते हो सारे का सारा चटम कर जाते हो तो हिब्बून जम और तुम माल से मोहब्बत करते हो खूब जम कर यानी वो जम के मोहब्बत तो वल्लीना आमन अशदुब्ला ईमान वालों की तो शदीदी रीन मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए लेकिन माल के साथ तुम मोहब्बत करते हो तो बस अल्लाह तला ने किसी को देकर आजमाया भाइयों किसी से लेकर आजमाया तो इस हवाले से दुनिया में जो एन लोगों के अहबार से काम कर रही हैं चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हों या दूसरी एन जी ओप्रीशियट करता हूं अल्लाह ताला उनके नेक अमाल के सबब उनको ईमान की दौलत भी सहाबी ने कहा यारफर में भी नेक अमाल करते थे उनका हमें कोई नफा मिलेगा तो आपने फरमाया उन्हीं की बरकत से तो अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत दी है कुफर में जो तुम अमाल उस तरह के करते थे अच्छाई के उन अच्छे अमाल की बरकत से ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में अदीज़ तो मैं अल्लाह ने इमाम की दौलत दी है तो हम इनके लिए भी दुआ करते हैं जो इस किस्म के अच्छे अच्छे अमाल करते हैं अल्लाह ताला इनको इमाम की दौलत से बहरा मंद फरमाए और वाक़ी ये अप्रिशिएटेबल काम है और मैं हैरान होता हूँ बड़े शर्म का मुकाम है कि एथोपिया में सोमालिया में अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पर अक्सर मुसलमानों की बातियाँ भी हैं वहाँ पर भी गैर मुस्लिम एन जी ओ जाके उनका इलाज करते हैं फ्री खाना खिलाते हैं सब कुछ करते हैं वो जहाँ से भी चंदा लेते हैं जो भी उनके पर्सनल बेनिफिट्स हैं बारल बड़ी हिम्मत का काम है सीधी सी बात है जनाब अपना मुल्क छोड़ के जाना फिर लोग कत्ल भी होते हैं यहाँ पर देखें आप पोलियो कतरे पिलाने के लिए टीमें आई हुई हैं और यहाँ अभी लोगों को यही समझ नहीं आई लोगों ने भाई मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है और हमने डिकेस के बाद ये लर्न किया है कि पोलियो जो है ये ऐसा मर्ज है जिसका इलाज नहीं है इल्दा ये के इसकी वैक्सीनेशन करवाई जाए और यहां पोलियो टीमों पर हमले होते हैं और क्या इमेज इस्लाम का जाता है जिसका दिल करता है दूसरे को गुस्सा के रसूल या फला फला फतवे लगा के रिलीजन के नाम के ऊपर जो है वो कत्ल कर देता है तो बहर जहां पर इस तरीके से गुर्बत आ जाए या कहीं कहत साली आ जाए तो इस्लाम इसका सोल्यूशन क्या देता है इस्लाम कहता है हिजरत की जाए वहां से जैसा कि सूर्य यूसुफ में भी ज़िक्र मौजूद है जब कहद पड़ गया तो दूसरे लोग हिजरत करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो मालूम मत लेने के लिए और गंदम लेने के लिए आए तो इस्लाम ये सलूशन देता है और यही वजह है कि कई सौ साल की लर्निंग्स के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये जो एरिया है या इसी तरीके से अमेरिका खूस जो शुमाली अमेरिका है यू एस ए ये इलाके ऐसे हैं जो आबादी के लिए सूटेबल इलाके हैं यहां जमीन फसलें उगाती है चारों मौसम होते हैं इसलिए दुनिया की आधी आबादी आप देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और चाइना में रह रही है तकरीबन आधी आबादी तो ऐसे लोग हिजरत करें और उनके लिए बस्तियां बस्तियांबाद की जाएं और जैसे कि अभी कई यूरोपियन मुल्क भी जो है वो दूसरे लोगों को अपने नेशनलिटीज देते हैं क्योंकि बर्थ रेट नेगेटिव जा रहा है खानदानी निजाम जो तबाह हो चुका है खानदानी निज़ाम जब नहीं होगा मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं होगा तो औलाद का कौन आगे वाली वारिस होगा तो वहां पर लोग ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है इसलिए बर्थ रेट नेगेटिव में जा चुका है इसलिए वो यहाँ सब कॉन्टिनें से लोगों को बुलाते हैं ताकि वहां पर उनका ये मामला चलता रहे ग्यारहवा रेफरेंस सूर अशूरा की आयत नंबर सत्ताईस से लेकर तीस तक वलू बस रिज इबाद ही लबू फिल और जब कभी हम लोगों का रिस्क अल्लाह ताला खोल देता है अपने बंदों का तो जमीन में सरकशी करने लगते हैं वाला कंजिल बेदरम मा यशा लेकिन अल्लाह ताला फिर इसका सोल्यूशन ये करता है कि अंदाजे के मुताबिक नाजिल फरमाता है अपने रिस्क को किसी को बहुत ज्यादा भी रिस्क दे दिया जाए फिर वो आपे से बाहर हो जाता है वह अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं वाले तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम बकदर जरूरत नाजिल फरमाते हैं रिस्क और जरा आसमान से ही नाजिल होता है बारिश की शक्ल में ये बारिश में ही सारा रिस्क है ना ये बारिश ना हो तो जमीन में फसलें नहीं उग सकती फसलें नहीं उगेंगी तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा जानवर भी मर जाएंगे इन नबीर उम बसी बेशक अल्लाह तला अपने बंदों से खबरदार है उनको जानने वाला है और देखने वाला है वहूअल यूनजर आदिमा कानतू वही अल्लाह है जो नाजिल फरमाता है बारिश को बाद इसके कि जब लोग मायूस हो चुके होते हैं अब मैं सोच रहा था अगर बारिश ना हो तो आप जरा सोचें दुनिया में सब लोग मर जाए ये हमारे इख्तियार में होती है बारिश इवन जमीन से भी जो आप पानी निकालते हैं इन्हीं बारिशों और इसी तरीके से जो वेपोरेशन होती है समुंदर के पानी की और फिर ग्लेशियर्स की फार्म में स्टोर होता है ये सब का सब जो वाटर साइकिल चल रहा है जो सूरत हिजर में भी बयान हुआ इसी के ऊपर लाइफ डिपेंडेंट है अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाए तो दुनिया में जिंदगी खत्म हो जाए

आयात ही खल खलकुस समावाती वाल और उसी की निशानियों में है आसमान और जमीन की पैदाइश वमा बस हिमा और जो कुछ अल्लाह ने जानदार इसमें बसा दिए हैं वो बीस लाख के करीब स्पीशीज ये सब की सब अल्लाह की निशानियां हैं वह आला जम इ और अल्लाह तदिर है कि इन तमाम मखलूकत को जमा फरमा ले जब जाए मरने के बाद दोबारा दिना कर ले अल्लाह ताला हर चीज पर जो भी कोई मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है एक मुसीबत तो वो है जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है लेकिन कुछ करतूत की वजह से भी आती है जैसे अल्लाह माफी दे जो पाकिस्तान पे हालात चल रहे हैं हमने एक मुल्क लिया था दुनिया में दो स्टेट्स हैं जो नजरियाती तौर पर बनी है एक इसराइल दूसरी पाकिस्तान जिसकी बुनियादी नजरिए पे थी अगर तीसरी कोई स्टेट है तो ईरान चौथी सऊदी अरब लेकिन वो भी इस लेवल की नहीं पाकिस्तान का मतलब क्या ला अल्लाह तो ये वादा पूरा किया हमने तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है गवर्नमेंट से लेकर गवर्नमेंट के मुलाजिम तक और हर छोटे से छोटे बंदे तक जिसका जितना दाव लगता है वो हराम कमाने की कोशिश करता है और सही बुखारी के अधिस है लोगों पर एक जमाना आएगा लोग इस चीज की परवाह नहीं करेंगे कि उनका रिस्क हलाल की तरफ से आ रहा है या हराम की तरफ से वो कहेंगे बस माल आना चाहिए तो अल्लाह तला माता तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे हाथों के करतूत हैं वो यह अफगान कसीर और कई चीजें तो हम वैसे ही माफ कर देते हैं और यह भी सूर फातिर में आए कि अगर हम पकड़ करनी शुरू कर दें लोगों की उनके अमाल के ऊपर तो जमीन में कोई जानदार जिंदा ना छोड़े अगर हर बात पे छोटी छोटी बात पे मुझे बताएं जो शख्स अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में ना जाए और अल्लाह ताला की तरफ से उसी टाइम उस पर फालिश गिर, गिर सकता है कि नहीं गिर सकता मैंने टांगे इसीलिए तो तुझे दी थी कि तू मुझे रिस्पॉन्स करता तू इतना ढीठ के हैया सुन सुनकर भी तेरे कान पर तक नहीं रेंगी ये कर सकता था ना अल्लाह तु तो हराम की तरफ निगाह उठाता उसी वक्त ही उसकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाती अगर जुबान से कोई फौज गोई करता उसी टाइम उसकी जुबान बंद हो जाती हाथ हराम की तरफ बढ़ाता और हाथ शल हो जाता ये हो सकता था ना लेकिन नहीं हुआ दुनिया में अल्लाह ने लॉज को एक्टिव ही नहीं किया लेकिन आखिरत में ये पोजीशन से एक्टिव पोजीशन में आ जाएंगे जो कुरान में है कि जो लोग यतीमों का माल मालक आते हैं अपने दोज पेट में दोजक की आग भर रहे हैं दुनिया में अगर कोई खा भी लेगा हराम माल जुबान भी उसकी जलेगी अंगारे से जलेगी क्योंकि फिजिकल फिनोम ऑफ नेचर को फॉलो करती हैं ये चीजें लेकिन मॉरल लास्ट आखरत में एक्टिव होंगे जिसने दुनिया में हराम खाया वो दुनिया में तो आग ना बने आखरत में बन जाएगा और बस अवकात अल्लाह दुनिया में भी वो दिखा देता है ऐसा मामला तुम्हारे हाथों की कमाई है लेकिन कई चीजें तो माफ भी कर देते हैं और अगली आयत सूरह रेफरेंस नंबर बारह सूर्य रोम की आयत नंबर इकतालीस एक, एक ही आयत है जहरल फसाद उफिल बर्री वल बहर बर्पा हो गया है फसाद जमीन में भी और समुद्रों में भी बीमा का सबत आई दिन नाश लोगों की बदअमालियों के सब ये बड़ी नहसत पड़ जाती है रिस्क में भी अल्लाह ताला तंगी फरमा देता है तो अल्लाह ताला हमारे जमीन में और खुशकियों और तरियों में जितनी भी ये फसाद बर्पा हुआ है ये लोगों की वजह से लोगों की बदअमालियों की वजह से अगर सब फर्मावरदार हो जाए अल्लाह तला के तो अल्लाह तला सबके साथ फर्मावरदारी का मामला करेगा छोटी मोटी वो बिशे मिनल खौफ है ये नहीं है कि फुल तो बर्पा हो गया है के कोई किसी को कतल कर रहा है कोई किसी को मार रहा है तो अल्लाह तमारा यह हमने एक जरिया ऐसा बना दिया कि लोग एक दूसरे को उनके अमाल का मजा चिखाए सबनी बुराई की हुई है ना एक बुराई से दूसरी बुराई को मजा चिखाया जाए

मसलन ये सईद अनवर की अगर बेटी ना मरती तो कभी भी वो इस तरफ आने की कोशिश ना करता चले जो इख्तलाफ रही जगह हो सकता है फिक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का भी लेकिन बहरल उसने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया जवान बेटी जब उसकी आठ नौ साल की बेटी जो है वो कैंसर की वजह से मर गई तो उस तकलीफ की वजह से कई लोग ऐसे जिनको कोई तकलीफ आती है फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो ये अल्लाह ने जरिया बनाया है और अगर वाकई वो अल्लाह की तरफ रुजू करे और उसकी आखिरत बन जाए तो यकीनन दुनिया की यह तकलीफ उसके लिए अल्लाह की रहमत और खैर साबित हुई उसी के अंदर खैर था बशरते वो इसको फिर समझे भी अल्लाह रेफरेंस नंबर थर्टीन ये है जनाब मशहूर तरीन सूरत सूरत पूरी सूरत पारा नंबर तीस में अल्हा तकासुर तुम्हें हलाक कर दिया माल की कसरत ने माल 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 मकाबिर यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह जा देखा तब भी माल की हिट्स खत्म नहीं हुई अब इस पर कई अहादीस है मैं आज कोर्ट नहीं कर सकता बुखारी मुस्लिम से मसला नंबर इक्यावन में मैंने कोर्ट की है कल्ला आलमून क्यों नहीं अनकरीब तुम जान जाओगे कल्ला आलमून। फिर तुम अनकरीब जान जाओगे कल्लाउता काश तुम दुनिया ही में ये यकीन की हद तक इल हासिल कर लेते लेकिन आखिरत में तो होना है अल्लाह जहीहीम जरूर तुम तोजक को देख कर रहोगे सुमलता यकीन और फिर तुम उसे देखोगे इस हाल में कि तुम्हें यकीन आ जाएगा कि वाकई आखिरत में ऐसा मामला होने वाला था लेकिन उस वक्त फायदा कोई नहीं यौम आन फिर उस दिन जरूर तुमसे पूछा जाएगा जो दुनिया में हमने तुम्हें नेमतें दी थी हाथ दिए थे इनको किन कामों में लगाया मेरी फरमा बरदारी में या मेरी नाफरमानी में आंखों को फरमा बरदारी में लगाया या नाफरमानी में पेट को जुबान को हर हर उज को एक एक चीज का हिसाब देता खैर जर्रा बराबर होगी वो भी सामने अल्लाह ते आएगा और शर भी जर्रा भी किया होगा ना अल्लाह तला सामने ले आएगा वो यही सूरत हजूर सल्लाम ने तलावत फरमाई सही मुस्लिम में हदीसा इंटरनेशनल के मुताबिक सात हजार चार सौ बीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत रावत की और कहा के इंसान कहता है इबन आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल हालांकि इंसान तेरा माल तो वो है जो तूने खाकर हजम कर लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया खाना ओढ़ना ही होता है या तीसरी चीज आपने फरमाई कि अल्लाह की राम में सदका करके आखिरत के लिए महफूज कर लिया ये तीन तेरे माल हैं कौन सा दुनिया में खा पी लिया या पहन लिया या आखिरत के लिए स्टोर करवा लिया अल्लाह की राम में खर्च करके ये तेरा माल है और बाकी यह हदीस में बुखारी और मुस्लिम में आता है कि बाकी तो तेरे वरसा का माल है इतना कमा भी लेते हैं तो खुद सारा माल तो कोई खाता भी नहीं बुखारी और मुस्लिम की हदीस है इबन आदम के पास अगर सोने की दो वादियां हो तो के मेरे पास तीसरी भी हो इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी वाले इस तरह की बहुत अदीस मौजूद हैं। मसला नंबर इक्यावन में सत्रह अहदीस बुखारी और मुस्लिम के हवाले से रिस्क हराम माल, परस्ती का अंजाम और उसका इलाज नंबर चौदह बस हमारी अब इनशा दस बारह मिनट की रह है कवर हो गया सारा ही अफ हसिब तुम नमा खलकना सूरत आयत नंबर एक सौ पंद्रह था अठारह क्या तुमने गुमान कर लिया कि हमने तुम्हें वैसे ही फजूल पैदा फरमा दिया है वह अन्ना ला तुर जाऊन और तुम्हें मर कर हमारी तरफ लौट कर नहीं आना कैसे सोच लिया तुमने अल्लाह तुम दुनिया में तुम कोई फजूल काम नहीं करते हो अल्लाह तला ने तुम्हें फजूल पैदा किया मालिकुल हक तो बुरंदोबाला है वो अल्लाह जो कि हकीकी मालिक है लाला कोई मबूद नहीं सवाए उसके रबुल करीम वही अर्श करीम का रब है इससे पता चला अर्श भी अल्लाह की मखलूक है क्योंकि अल्लाह ने अर्श के लिए भी रब का लफ्ज इस्तेमाल किया ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज ऐसे बदकीदा भी आए लोग मौजूद हैं जो अर्श को भी समझते हैं कि शायद वो हमेशा से है अर्श भी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है और जो कोई भी अल्लाह के साथ किसी और इलाह को पुकारता है ला बुरहान लहू बी और उसके पास उसकी कोई समझ मौजूद नहीं है इंदा रब्बी तो ऐसे शख्स का फिर हिसाब उसके रब के हुजूर होगा ला ना काफिरून बेशक अल्लाह ताला जान बूझ कर शुक, ना शुक्री और कुफर की रविश इख्तियार करने वालों को कभी फला नहीं देता वकुर फिर अंता और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर दुआ कीजिए ए रब मेरी मफफरत फरमा मुझ पर रहम फरमा बेशक तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है ये हजूर वसलम को हुम हो रहा है बुखारी और मुस्लिम की मुतफक्न हदी से आप सल्ला फरमाया कोई शख्स भी महज अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता एक सहाबी ने बड़ी जुरत करके अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्या आप भी मुवाहिदीन ने फरमायाब हाँ, तक मेरे रब की रेप ना लेकर में दाखिल नहीं हो सकता ये है तो की की उम्मीद भी लेकिन यह पैनल में है यह नहीं है कि खाली सुखे जो है वो उम्मीद ही लगाई हुई है ये तो उसी तरीके से कि कोई शख्स जमीन में हल भी ना चलाए बीज भी ना बोए और क्या रहमत की बारिश आएगी और फसल निकलेगी कभी भी नहीं निकलेगी अमाल बीज बोएं फिर अल्लाह की रहमत की उम्मीद हो फिर इंशाल्लाह के वाले दिन इन अमाल का फायदा होगा इन पंद्रह रेफरेंस सूरत की आयत नंबर दो और तीन इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस भी है लेकिन वो ज़यीफ नहीं है वो सही नहीं है ज़यीफ है मैं बयान नहीं करता वो मई ये तक यजा और जो कोई भी अल्लाह तला का तकवा अख्तियार करेगा तो अल्लाह त के लिए राह निजात निकाल देगा कोई ऐसा उसके लिए इस्बा पैदा फरमा देगा वह मिन ला यहतसिब और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना हो अल्लाह चाहे तो कहीं से भी रिस्क खोल सकता है जिसे हम कहते हैं था। छप्पड़ फाड़ के देगा मैं ये और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करे फसबू तो अल्लाह उसके लिए काफी है इन अल्लाह बालिग अमरी अल्लाह तला तो अपना हर काम पूरा करता है अल्लाह तला को तो कोई परेशानी नहीं है जब जो काम करना चाहे वो पूरा करेगा लेकिन बेशक अल्लाह ने हर काम के लिए कोई वक्त मुकर कर रखा है कोई अंदाजा मुकर कर रखा है वह अपनी मर्जी से करता है ऐसे मामला इसी कॉन्टेक्स मेंदीस भी याद करें बुखारी और मुस्लिम की, की। आप सल्हम फर्ज नमाज के बाद यह दुआ मांगा करते थे छीन नहीं सकता तू छीन ले कर सकता और किसी भी शख्स को दुनिया में बड़े से बड़े शख्स को उसका ओहदा और उसका नस्ब कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता अगला रेफरेंस नंबर सोलह सूरत की आयत नंबर पंद्रह और सोलह इन नमा अमवाल व औलादुम फितना बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया है इसके जरिए अल्लाह ने आजमाया है तुम्हें जरुन अजीम और याद रखना अल्लाह के पास अजर अजीम है कोई शख्स माल या औलाद की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी ना कर बैठे फतः अल्लाह का तकवा अख्तियार करो मस्तता तुम जहां तक तुम्हारी इस्तात हो पूरा जोर लगा के अल्लाह का तकवा अख्तियार करो वसमा वती और कान खोल कर सुनो और अल्लाह की अतात करो वह अनफिकम और अल्लाह की राह में खर्च भी किया करो ये वो बेहतर है जो तुम अपने लिए रखोगे आखरत के लिए स्टोर हो जाएगा अल्लाह के डिवाइन बैंक में वमई यू हनफसी नफ्सी यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है और जो कोई अपने नफ्स की ख्वाहिश की शिद्दत से बचा लिया गया फला काम तो ऐसे ही लोग हैं फलाह पाने वाले जो नफ्स के लालच से बचा लिए ये लालच बड़ी बुरी बला है यही लालच इंसान को अल्लाह की राम में खर्च नहीं करने देती किसी गरीब का सहारा नहीं बनने देती कि अपने लिए जोड़ कर रखी बैलेंस रखें यह भी नहीं कि बहुत कुछ दें सुरह बनी इसराइल में आया कि ना अपना हाथ इतना तंग कर लो टेंट कमांडमेंट्स में कि किसी को कुछ दो ही ना और ना इतना ही खर्च कर दो कि खुद जो है वो दरमाना होकर बैठ जाओ और जनाब बाद में पुछता हो कि नले पे आ गई जिन्होंने कह ये नहीं ये सब कुछ अल्लाह की रहा में दे दिया ऐसा भी नहीं बैलेंस सत्रह नंबर रेफरेंस सूरह बनी इसराइल आयत नंबर चौरासी शाकिला ती ये बड़ी इंटेलेक्चुअल तरतीब से मैंने याद रखी हुई है ताकि बात कंक्लूड हो ए महबूब इनसे फरमाइए तुम अमल करते जाओ अपने शाकिला के मुताबिक जो तुम्हें अल्लाह ने हालात दिए हैं हर शख्स को एक जैसे हालात नहीं दिए हुए अब मुझे बताएं जो सऊदी अरब में पैदा हुआ है उसके पास कोई तेल का कुआं भी है और हरम शरीफ के पास उसका घर है तो अल्लाह ने उसको शाकिला दिया है ना वो ठीक है ना जी उसके पास रिस्क भी है रिस्क की भी कोई टेंशन नहीं नमाज भी वो एक लाख नमाजों का स्वाब भी ले सकता है अब एक बंदा पाकिस्तान में वो तड़प रहा है उसके पास तो उम्र के लिए पैसे भी नहीं जुड़ते तो अल्लाह तला ने हर शख्स को अलादा से शाकेला दिया लेकिन यह ना समझिएगा कि वो को आगे निकल गया और ये पीछे रह गया गए अल्लाह तक ने बैलेंस रखा हुआ है क्यामत वाले दिन नेकियां तोली जाएंगी गिनी नहीं जाएंगी किसी के पास लाख रुपया था उसने सौ रुपया दिया और किसी के पास है ही सौ रुपया था उसने बेचारे ने एक रुपया दिया इसकी नेकी उससे आगे निकल जाएगी इसीलिए नेकियां तोली जाएंगी गिनने में वाला काम दुनिया में होता है हो सकता है कि आपकी दस नेकियां मेरी एक करोड़ नेकियों से ज्यादा वजनी हो जाए अल्लाह के हजूर उसके अंदर इखलास ज्यादा मौजूद हो और आपको अल्लाह ने शाकिल ही इतना दिया था अब मुझे बताएं गर्मियों की दोपहर में जो बेचारा सड़क के किनारे जो है मजदूरी करने वाला है और जो ज़मीन खोदने वाला है अगर वह बसा अवत उसकी जमात की नमाज रह भी जाए क्या आप समझते हैं उसका हिसाब और एक मल्टी नेशनल में जॉब करने वाला एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाला जिसके ऑफिस में मस्जिद भी मौजूद हो उसे खाने और नमाज का वकफफा भी होता है और वो भी नमाज से ना पड़े दोनों क्या बराबर होंगे नहीं उसकी शाकिला डिफरेंट है इसकी शाकिला डिफरेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है कि जो तुम्हें अल्लाह ने हालात और सरकम दिए उनके मुताबिक काम जो अपने जितनी भी कोशिश हो सकती है उन हालात के अंदर काम करते फिर क्या होगा फरबुकुम आलामो भी हुआ अहदा सबीला तुम्हारा रब खूब जानता है कौन सीधे हदायत के रास्ते के ऊपर है अल्लाह क्या फैसला करेगा कि ये जो बंदा हरम शरीफ के पास था इससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी जो इसने नहीं की है और एक ये हजारों भील दूर बैठने वाला इसने मुझे क्या रिस्पॉन्स किया कि ये आज उससे आगे निकल गया यह अल्लाह ने फैसला करना है यह हालात अल्लाह तबारको ने दिए हैं तो लिहाजा टेंशन नहीं लेनी इस हवाले से के जी वो किसी को ये ज्यादा माल मिल गया मुझे नहीं मिला तो वो अल्लाह की राह में खर्च कर ले नहीं जो आपको अल्लाह ने हालात दिए उसके मुताबिक कोशिश करते चले जाए अल्लाह तबारक वाल उसको कबूल फरमाने वाला है अठारहवीं आखिरी रेफरेंस सूरत की आयत नंबर तेईस ये जो आयत थी सूरह बनी सैल की आयत नंबर चौरासी अब आखिरी आयत सूरत बिया आयत नंबर तेईस इसके बगैर ये लेक्चर नामकम्मल था इंसान को बाज़ बात वस से आते हैं कि ये अल्लाह ताला ने किस मुसीबत में डाल दिया एक तो हमारी मर्जी के बगैर हमें पैदा किया फिर हमें इन हालात में डाल दिया तो ये अल्लाह ताला ने एक अपना यूनिवर्सल ट्रूथ इस हवाले से बता दिया कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन तुमने करनी नहीं है ये मामला किसी को समझ नहीं आ स ये वो चीज़ है जिसको कहा ना तकदीर पर डिस्कशन नहीं करनी वो ये वाली डिस्कशन है बाकी हम जितने तकदीर के मामला पर डिस्कशन कर रहे हैं ये तो हमें किताबों सुनने से दलायल मिले हैं ना हम अपनी तरफ से तो बोल ही नहीं रहे लेकिन जिस चीज से जहां का आ गया नो एंट्री अब इसके बाद इस हद को नहीं फैलांगना वो ये है आयत नंबर तेईस ला युस अलमा यफ अल उस हस्ती से कोई नहीं पूछ सकता जो वो करती है जो कुछ उसने किया किसी की तकदीर मुकर की किसी को गरीब रखा हम तो अपने माँ बाप भी खुद चॉइस नहीं कर सकते अपना खानदान चॉइस नहीं कर सकते इवन अपनी जिन्स भी नहीं मर्द औरत इवन अपनी स्पीशीज भी नहीं अगर अल्लाह कुत्ता पैदा करता अल्लाह अग को कोई नहीं पूछ सकता

अल्लाह ने अगर जनती दोस्ती का फ़ैसला कर दिया है तो फिर हमें नमाजें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस किस्म के लेम एक्सक्यूजेज़ और मुझे इस हवाले से पिछले कई सालों में कितनी ई मेल्स भी पूरी दुनिया से रिसीव हुई कि इस टॉपिक को भी एड्रेस किया जाए वरना मैंने पिछली दफ़ा तो ये इरादा ही नहीं था मेरा कि मैं इतनी डिटेल करूँगा कल मेरा इरादा बना तो मैंने ये दो दिन लगा के बड़ी मेहनत से यह आयात तलाश करके क्रॉस रेफरेंस के तौर पर पेश की इन अगला लेक्चर भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस हवाले से अल्लाह तला से दुआया जो हक बात मैंने कही अल्लाह तारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से महव कर दे हमें किताब और सुन्नत की तालीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी क़ा फरमाए सुबह